ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आप सभी का इस चैनल में और इस सेशन में स्वागत है। क्या बात है, आ गए सारे के सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए, राइट? सो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट सेशन में अपनी नॉवेल नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी आ चुकी है नॉवेल नंबर 2 को फोड़ने की, राइट? तो आज इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश सिलेबस की नॉवेल सेक्शन में से नॉवेल नंबर 2, जिसका नाम है टू सर विथ लव, इसको पूरा का पूरा ए टू जेड कवर करने वाले हैं। तो प्लीज आपको क्या करना है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठनी है, बिकॉज आपको पता है कि ये जो नॉवेल नंबर 2 है ये काफी लंबी है, काफी बड़ी है, तो हमको इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। बट हाँ, इस बात की गारंटी कि आपको पूरा अच्छे से सिंप्लिसिटी में समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो नॉवल नंबर 2 के अंदर अच्छी खासी स्टोरी है, अच्छे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हर एक कैरेक्टर का क्या रोल रहा यह सब हमको आज इस वीडियो में जानना है, ओके? इस चैप्टर में, इस नॉवल में क्या स्टोरी है यह आज हमको इस वीडियो में जानना है, तो गौर से सुनना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और आगे बढ़ते हैं टू सर विथ लव को पढ़ने के लिए। तो हमारा भी नॉवल को पढ़ने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। हमने देख चुके हैं कि नॉवल क्या होती है, राइट? नॉवल कोई 2-3 पेज की स्टोरी नहीं होती है। नॉवल जो होती है वो एक मोटी सी बुक होती है, 200-300 पेजेस की, राइट? तो ये जो अपनी नॉवल नंबर 2 है, ये कौन सी नॉवल है? हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे, नॉवल नंबर 1 पढ़े थे, उसमें हमने क्या जाने थे बताओ? उसमें हमने जाने थे कि नॉवल के कितने टाइप्स होते हैं, नॉवल के कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने ये देखे थे नॉवेल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 6, यानी कि एक नॉवेल के अंदर कैरेक्टर होता है, थीम होता है, प्लॉट होते हैं, है ना? ये सारी चीजें हमने देखे थे, लैंग्वेज, सेटिंग्स और टाइप्स में हमने टोटल 11 टाइप्स पढ़े थे, ठीक है? तो ये जो अपनी नॉवेल नंबर 2 है ये कौन से टाइप की है? ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल का मतलब क्या होता है, जो इंसान ने इस नॉवेल को लिखा है उसने उसके अंदर जो स्टोरी लिखा है अपनी जिंदगी के बारे में ही लिखा है। तो हमारे इस नॉवेल के ऑथर कौन है? इस नॉवेल के ऑथर है ई आर ब्रेथवर्ड, यानी कि इस स्टोरी में उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ किस्सा सुनाए है, कुछ स्टोरी लिखे है, ठीक है? वो क्या स्टोरी है आज जानना है हमको इस वीडियो में, ठीक है? तो देखो, ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल योर नॉवेल नंबर 2, टू सर विथ लव, रिटन बाय ER ब्रेथवर्ट, इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ओके? ER ब्रेथवर्ट की जिंदगी के बारे में ही कुछ किस्सा हमको आज इस वीडियो में जानना है। आप बोलोगे नॉवल नंबर 1 से तो हमको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये बात तो हमको समझ में आ चुकी है। नॉवल नंबर 2, 3 और 4 से हमको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे? हमने देखे थे कि कोई भी नॉवल के अंदर क्या होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, थीम होता है, सेटिंग होती है, लैंग्वेज होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। लिखा होगा टू सर विथ लव का प्लॉट एक्सप्लेन करो, टू सर विथ लव का थीम बताओ, टू सर विथ लव के इस कैरेक्टर डेनहम नाम का एक कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर, उसका कैरेक्टर स्केच दो, यानी कि इस कैरेक्टर ने, डेनहम नाम का एक इंसान है इस स्टोरी के अंदर, उसने स्टोरी में क्या क्या रोल प्ले किया है उसके बारे में बताओ, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, या तो कोई एक सिचुएशन दी होगी कि ये घटना आपके स्टोरी के अंदर हुई है तो उसको एलैबोरेट करो, ठीक है? तो आपको ये सब चीज याद रखनी है, हर एक नॉवल का प्लॉट, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर अच्छे से पढ़ना है, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं नॉवल नंबर 2, टू सर विथ लव। यहाँ पे आपको ये जो इंसान दिख रहे हैं ये कौन है? ये है ER ब्रेथवर्ड, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म उनका क्या है? यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवर्ड, फुल फॉर्म क्या है? यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवर्ड, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? ER ब्रेथवर्ड, ठीक है? ये देख लो क्या नाम है इनका, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ER ब्रेथवर्ड। स्वागत है सभी का इस सेशन में, स्वागत है। ER ब्रेथवर्ड फुल फॉर्म हमने क्या देखे? यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवर्ड, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या दिखते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? नॉवलिस्ट है ये, नॉवेल्स लिखते थे, ठीक है? सिर्फ नॉवल नहीं लिखते थे ये, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ थे। क्या क्या थे जानना है अपने को, ठीक है? नॉवलिस्ट। चलिए देखते हैं इस नॉवल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर है, ठीक है? सबसे पहले तो कौन है? ब्रेथवर्ड नैरेटर, यानी कि वही जिस
अपने बारे में बता रहे हैं, उनकी वो एक मेजर कैरेक्टर हो गई ना। और ये बाकी सारे जो भी आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये सब कौन है पता है? ये सारे स्टूडेंट्स है और टीचर्स है। आप बोलोगे ये स्टूडेंट टीचर कहाँ से आ गया, है ना? अरे भाई, अपने नॉवल के नाम से लग रहा है, टू सर विथ लव, यानी कि ये कोई स्कूल में पढ़ाते होंगे, उनके कुछ स्टूडेंट होंगे, इनके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो टीचर्स होंगे। तो जो भी कैरेक्टर होंगे वो कौन से होंगे, क्या उनका रोल होगा? स्टूडेंट और टीचर का ही होगा, ठीक है? तो अभी हमको एक एक के बारे में, सबके बारे में जानना है कि ये गिलेन कौन है, ये डेनहम कौन है, ये पमेला कौन है, ये फ्लोरियन कौन है ना? ये सबके बारे में जानेंगे। और उसमें से तो कितने सारे कैरेक्टर इधर पे ऐसे दिए हुए हैं जिसका तो मेंशन भी नहीं किया है आपकी स्टोरी में, ठीक है? मतलब कि इतने माइनर कैरेक्टर है। माइनर हमने देखे थे ना, माइनर यानी एकदम साइड रोल होता है ना, इतना लोग का साइड रोल है कि अपना आया भी नहीं है, लोग का नाम भी नहीं आया चैप्टर में, ठीक है? तो देखो, मैंने आपके सामने थीम लगाई हूँ। आपको क्या करना है, इसको गौर से देखना है। यहां पे आपको जो नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? एक सर खड़े हुए हैं और उनके आसपास कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये जो सर है ये और कोई नहीं, ये ईआर ब्रेथवर्ड है। ये एक स्कूल में पढ़ाते थे, उस स्कूल का नाम क्या था? ग्रीन स्लेड स्कूल। क्या नाम था? ग्रीन स्लेड स्कूल, ठीक है? ये स्कूल में पढ़ाते थे, ओके? ये जो क्लास में पढ़ाते थे, उस क्लास के स्टूडेंट इनके आसपास ये खड़े हुए हैं। देखो कैसा मुंह बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको चिढ़ा रहे हैं या तो फिर ऐसा एटीट्यूड में देख रहे हैं। इसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है क्या होगा? इस चैप्टर में बताया गया, क्या बताया गया है? कि बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अपने ईआर ब्रेथवेड है, इनका जो कलर है ये ब्लैक है, और ये जो सारे स्टूडेंट है ये व्हाइट है, गोरे गोरे। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे स्टूडेंट्स लोग जो है, ये अपने सर ईआर ब्रेथवर्ड को बहुत सताते थे, बहुत चिढ़ाते थे, बात नहीं मानते थे, होमवर्क नहीं करते थे, हल्ला मचाते थे डेस्क को, मतलब बहुत ही खराब स्टूडेंट थे, बहुत परेशान करके रखे थे भाई, जिंदगी ना जीना इनका मुश्किल कर रखे थे लोग ने, ठीक है? जीना मुश्किल कर रखे थे किनका? ईआर ब्रेथवर्ड का। किसने? ये सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है? अभी होता क्या है कि बारी आ जाती है प्रिंसिपल, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि आपके टीचर ने आपको आधा साल जो भी सिखाए हैं उसको आके प्रेजेंट करो, ठीक है? तो ये जो ईआर ब्रेथवर्ड होते हैं वो डर जाते हैं, बोलते हैं अरे यार मेरे तो सारे स्टूडेंट एकदम फालतू है, मेरी तो एक बात नहीं सुनते, ये तो लोग सारे जाके मेरे प्रिंसिपल के सामने जाके नाक कटा देंगे। तो ईआर ब्रेथवर्ड वो डर जाते हैं, है ना, कि मैं तो जो पढ़ाता हूँ ये लोग तो सुनते नहीं, उल्टा मुझको लोग चढ़ाते रहते हैं, तो डर जाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ प्रकार का थीम है। क्या होगा डिटेल में अभी हम जानते हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में आपको कराऊंगी तो समझ जाओगे, ठीक है? इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख लो, मैंने कुछ लगाई हूँ इधर पे, ये आप बोलोगे अरे यार ये सब फोटो कैसे आई, तो ये ओरिजिनल फोटो नहीं है, ये ओरिजिनल फोटो नहीं है। मैंने आपको बताई थी कि नॉवेल्स जो होती है उसको फिल्मों में भी डिपिक्ट किया जाता है ना? जैसे हैरी पॉटर भी एक प्रकार की नॉवेल थी, फिर उसको फिल्म में, उसको वेब सीरीज में कन्वर्ट किया गया, उसी प्रकार से ये जो अपनी नॉवेल है टू सर विथ लव, इसको फिल्म में भी बनाया गया है। और ये जो आपके सामने जो इंसान खड़े हैं ये कौन है? ये रोल प्ले कर रहे हैं ईआर ब्रेथवर्ट का। इनका ओरिजिनल नाम है सिडनी पॉटर, ठीक है? ये हॉलीवुड के हीरो है, सिडनी पॉटर रोल प्ले कर रहे हैं ईआर ब्रेथवर्ट का, ये एक फिल्म है, ठीक है? बिकॉज इस नॉवेल को कन्वर्ट किया गया। तो एकदम शॉर्ट में अगर हम देखा जाए तो क्या है कि टू सर विथ लव इज अ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल रिटन बाय ईआर ब्रेथवर्ड। किधर पे होता है? लंदन की स्टोरी है ये, मतलब लंदन में लोग रहते थे, लंदन में स्कूल था उधर पे। तो ये कैसी स्टोरी है? ट्रू स्टोरी है, और ट्रू स्टोरी को हम लिटरेचर की भाषा में क्या बोलते हैं? ट्रू स्टोरी को लिटरेचर की भाषा में हम फिक्शन बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है? एक फिक्शन है, यानी कि ट्रू घटना पे, असली घटना पे आधारित ये स्टोरी है, ठीक है? क्या होता है, ब्रेथवर्ड जो होते हैं वो टीचर होते हैं किधर पे? ग्रीन स्लेट स्कूल में,
ओके, उधर वो क्या फेस कर रहे होते हैं, रेसिज्म फेस कर रहे होते हैं। रेसिज्म मतलब क्या, इंसान के कलर के बेस पे कि तू काला है तो तुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, तू काला है तो तुझे रिस्पेक्ट हम नहीं देंगे, इसके बेस में अगर कुछ किसी के साथ भेदभाव होता है तो हम क्या बोलते हैं, रेसिज्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे होती है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप बोल रहे होगे कि ये लास्ट वाली फोटो में तो लोग सर को चिढ़ा रहे थे, अभी अचानक से सब मिल गए, ये देखो ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखो कलर दिख रहा है इनका, इनका ब्लैक कलर है और बाकी सारे स्टूडेंट व्हाइट है, सारे स्टूडेंट, क्योंकि ये लंदन में थे, लंदन की स्टोरी है और ये कहीं और से शिफ्ट होके इधर पे आए थे, तो इसकी वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बट एंडिंग जो है, एंडिंग में बाकी जो स्टूडेंट होते हैं जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, लोग सुधर जाते हैं। ठीक है, क्यों सुधरते हैं, ईआर ब्रेथवेट ने ऐसा क्या करे कि ये सारे बच्चे सुधर गए और अपने टीचर की एंड में रिस्पेक्ट करने लगे, अपने को जानना है इसमें। अभी देखो मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस लगे, मैंने अभी तक कुछ पढ़ाना स्टार्ट नहीं करी हूँ, मैं आपको थीम दे रही हूँ बस, ताकि आप लोग एकदम अचानक से डर ना जाओ ये क्या हो रहा है। एक प्रकार का थीम पता चल गया होगा, ये अभ्यर्थ क्या है, किधर पे स्टोरी होगी, स्कूल के टीचर है और ये जो भी होने वाला है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, यानी कलर के भेद पे भेदभाव होने वाला है। अभी देखो मैंने कुछ क्वेश्चन इधर पर लगाई हूँ जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या पूछा जाएगा कि हाफ ईयरली रिपोर्ट जो स्टूडेंट लोग को करने के लिए बोले थे प्रिंसिपल ने, उसका क्या करो, हाईलाइट दो। हाईलाइट दो इन द सेंस वो सिचुएशन का, वो सीन के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के बताओ कि प्रेजेंटेशन हुआ तो वो कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो, इन द क्वेश्चनिंग ऑफ देनहम वॉज एक्सप्रेसिंग फ्यू स्टूडेंट फीलिंग, इल्यूस्ट्रेट, इल्यूस्ट्रेट मतलब उसको रिप्रेजेंट करो, उसको आप बताओ एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे एक डेनहम नाम का कैरेक्टर होता है, वो एक टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है ना, तो उसके बारे में बताने बोला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए जी अभी ज्यादा देखते नहीं, अभी हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी नॉवल को पढ़ना। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए नॉवल नंबर 1 की नोट्स बनाई थी, उसी प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए नॉवल नंबर 2 की भी नोट्स बना दी हूँ और इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलो। कहानी की शुरुआत डायरेक्ट नहीं होती है, आप अपनी नॉवल खोलोगे, मैं भी अपनी टेक्स्ट बुक में बताती हूँ, आप जब ये अपना पेज नंबर 178, राइट, जो बच्चे ने टेक्स्ट बुक लेके बैठे उनको पता होगा, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 178 में आप अगर देखोगे तो अपनी नॉवल की स्टोरी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हुई है, पहले इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, फिर पेज नंबर 179 में, पेज नंबर 179 में लोग ने नॉवल की समरी बताए है ना। फिर हम पेज नंबर 80 में जाएंगे तो लोग ने पेज नंबर 80 मतलब 180 में लोग ने क्या बताया है, थीम बताए है और साथ ही साथ सिनॉप्सिस बताए है। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, एकदम शॉर्ट समरी, शॉर्ट समरी। मैं ना क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ समझो, बिकॉज ये अपने चैप्टर की तरह नहीं है कि आपका चैप्टर की हेडिंग है और फिर स्टोरी स्टार्ट हो गई। नॉवेल में अपने को समरी, थीम, सिनॉप्सिस, प्लॉट, सेटिंग सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, फिर वन पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 से आपका एक्चुअल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन स्टोरी का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसा क्यों, ये लोग ने ऐसा क्यों किया, डायरेक्ट नॉवल को स्टार्ट क्यों नहीं किया, आपका सवाल आ रहा होगा। तो क्या होता है, नॉवल बहुत बड़ी होती है, 200 पेज की होती है, अगर उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे बिना कोई थीम दिए कि इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं और इस स्टोरी के अंदर क्या एक्चुअल में होने वाला है, या तो फिर क्लाइमेक्स क्या आने वाला है, या तो फिर थीम क्या आने वाला है, तो इंसान एक्साइटेड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताई ना कि इस स्टोरी के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, बच्चे लोग बहुत अपने सर को परेशान करते हैं लेकिन बाद में लोग सुधर जाते हैं, तो आपके दिल में एक एक्साइटमेंट होगा कि अरे यार ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चे लोग सुधर गए, है ना। तो यही काम होता है कि कोई भी एकदम बड़ी सी नॉवल होती है तो उसका थोड़ा सा थीम एक्साइटमेंट स्टोरी को पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है, पूरी स्टोरी को पढ़ने के लिए, वो एक्साइटमेंट बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ा थीम, थोड़ा थोड़ा समरी, सिनॉप्सिस स्टार्टिंग में दे देते हैं। ओके, तो ये एक क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, एक ये फंडा होता है बस नॉवेल को अलग अलग तरीके से पढ़ने। तो हम यही करेंगे, पहले समरी पढ़ेंगे, फिर थीम पढ़ेंगे, फिर सिनॉप्सिस। देखो एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अभी अपनी कोई भी मूवी है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी कि एग्जाम्पल थ्री इडियट, ठीक है, थ्री इडियट मूवी है,
ये आप पूरे 3 घंटे की मूवी देखकर आए, और फिर मैं आपको बोलूंगी कि ये मेरे को ना स्टोरी बताना, तो अगर आप एकदम डायरेक्टली शुरू हो जाओगे ना कि ये जो स्टोरी है सुबह 3 बजे इस एरिया में ये इंसान आता है, इसका ये नाम होता है, एकदम स्टार्टिंग से लेके एक 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 चीज बताओगे ना तो मैं बोर हो जाऊंगी। लेकिन आप अगर पहले मुझे ऐसा बताओगे, अच्छा ये 3 इडियट, इसमें ना 3 दोस्त होते हैं, एक दोस्त जो होता है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, प्रैक्टिकल चीजों समझता है, एक दूसरा जो होता है उसको कैमरा में फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है बट इंजीनियरिंग में आ जाता है, तीसरा जो होता है वो थोड़ा पुअर बैकग्राउंड से होता है, उसको प्राइवेट जॉब चाहिए होती है उसके घर वालों को, और इसकी मतलब आप पहले थीम दोगे और उसके बाद स्टोरी बताओगे ना तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहेगा, ठीक है? तो यही एक फंडा होता है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फाइनली। अभी आप पेज नंबर किस में आ जाना है आपको? पेज नंबर 177। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है? हाँ, पेज नंबर देखो, सबसे पहली चीज आप क्या याद रखोगे इस नॉवल से रिलेटेड? सबसे पहली चीज आप याद रखोगे कि ये जो नॉवल है टू सर विथ लव, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये जो नॉवल है ये 1967 में इस नॉवल को एक फिल्म भी कन्वर्ट किया गया। इस फिल्म में ईआर ब्रेथवर्ट का रोल कौन निभाया? हॉलीवुड के हीरो सिडनी पॉटर ने, ठीक है? ये जो अपने ईआर ब्रेथवर्ट है, इनका फुल फॉर्म क्या है नाम का? यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवर्ट। इनका जन्म हुआ 1912 में और डेथ हुई 2016 में। ये इतनी चीज आप याद रखो। फिर आगे, ये जो ईआर ब्रेथवेट है इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, स्टोरी लिखने के अलावा, नॉवल लिखने के अलावा ये अपनी लाइफ में और क्या बने और क्या थे? बहुत कुछ थे भाई, ऑल इन वन थे। सबसे पहले नॉवलिस्ट तो थे ही, इसलिए तो उन्होंने नॉवल लिखे। दूसरा, डिप्लोमेट थे, यानी एक प्रकार से सोल्जर थे, देश के लिए जो लड़ते हैं। दूसरे, टीचर, ग्रीन स्लेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और फोर्थ, इंजीनियर। अरे बाप रे, सोचो एक इंसान नॉवल भी लिख रहा है, टीचिंग भी है, इंजीनियर भी है, डिप्लोमेट भी। ऑफकोर्स एक साथ नहीं थे, पहले डिप्लोमेट थे, फिर वहां से जॉब चले गई तो इंजीनियर बने, फिर वहां से जॉब चले गई तो टीचर बने, फिर टीचर से रिटायर हो गए तो फिर नॉवल लिखने लगे, ऐसा है उनका सिलसिला, ठीक है? अब आप बोलोगे, अच्छा जी ये नॉवल लिखते थे यानी कि ये राइटर थे, तो ये कैसे प्रकार की बुक लिखते थे? ये लिखते थे उनके साथ जो पूरी जिंदगी में घटना घटी है, क्योंकि वो एक ब्लैक पर्सन थे तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेले थे, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह। तो ये कोई भी नॉवल लिखते थे उसका जो थीम होता था वो हमेशा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे होता था, कि कैसे ब्लैक पीपल के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है? डिप्लोमेट अगर ये थे और इनके साथ देखो ऐसा बुरा हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं इनके दिल में व्हाइट पीपल लोग के लिए, इंग्लिश पीपल लोगों के लिए एक बिटरनेस थी, यानी कड़वापन रह गया था। ये आपको याद रखना, राइटर थे तो कौन से लेवल पे लिखते थे। अब डिप्लोमेट, डिप्लोमेट थे तो किधर पे थे? ये ब्रिटिश लोगों को सर्व करते थे एयरफोर्स में। एयरफोर्स देखो 3 प्रकार के अपने डिप्लोमेट्स होते हैं, एक जमीन वाले सोल्जर, एक एयरफोर्स वाले, एक पानी वाले, नेवी वाले, है ना? तो ये कौन थे? एयरफोर्स वाले थे, है ना? तो ये आपको याद रखना है, एयरफोर्स इन द वॉर, ठीक है? लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हो गई तो क्या हुआ, इनका एम्प्लॉयमेंट छीन लिया गया। मतलब अब काम आपका हो चुका है, आप ब्लैक पीपल हो तो आप इधर से जा सकते हो, व्हाइट पीपल लोगों ने, ब्रिटिश लोग यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग यानी कौन, ब्रिटेन जो कंट्री है उधर पे ये सर्व कर रहे थे, लेकिन वॉर खत्म हो गई, अब इनकी जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है भी तो इनको लिए नहीं, हटा दिए, तो क्या हो गया, इनकी जॉब चले गई, डिप्लोमेट से इनकी जॉब चले गई, इंग्लिश लोग ने इनको क्या कर दिए, भगा दिए, चीटिंग करे, धोखा दिए, है ना? इंग्लिश डू नॉट कंसिडर हिम टू बी द वन, इंग्लिश लोग जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे, इनको क्या किए, जॉब से हटा दिए। तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने एक स्कूल में एक टीचर की जॉब अप्लाई किए। अच्छा नहीं, पहले नहीं किए, पहले फिर वो इंजीनियर तो थे ही, है ना? तो किधर पे जॉब कर रहे थे? ऑयल रिफाइनरी, जो तेल को जो होता है उसको रिफाइन, रिफाइन मतलब क्या होता है, फिल्टर करना, तेल जहां से भी आता है डायरेक्टली थोड़ी हम खाते हैं उसको, पूरा रिफाइन करते, पूरा साफ करते, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उधर पे एज ए इंजीनियर वो काम कर रहे थे, ठीक है? फिर उधर से उनकी जॉब की
क्यों गई क्या गई वो कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट इतना है कि उनको कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। मतलब हर जगह से ना उनको क्या कर रहे थे, हटा रहे थे लोग जो है, बोल रहे थे, मतलब लंदन के एरिया में इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उधर पे, जो गोरे लोग थे वो ब्लैक लोगों को जॉब ही नहीं दे रहे थे, और ये तो ब्लैक थे। तो परेशान हो गए, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इन्होंने बोले कि चलो यार स्कूल में अप्लाई करके देखता हूँ ना, इंजीनियर की जॉब मिल रही है, था भी तो हटा दिए, डिप्लोमेट्स भी हटा दिए, चलो देखते हैं, टीचर स्कूल में अप्लाई करके देखते, हो गया तो हो गया। तो उन्होंने ऐसी एवी क्या करे, अब एप्लीकेशन डाल दिए टीचिंग के लिए। तो क्या हो गया, लकीली सरप्राइजिंगली वो टीचर जो स्कूल थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई आ जाओ हमारे स्कूल में पढ़ाओ। लेकिन वहां पे स्कूल में तो पढ़ाने का मौका मिल गया, लेकिन स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट थे उन्होंने उनका क्या कर दिए थे, मुश्किल कर दिए थे उनका जीना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। किसके बारे में ये चीज आपको याद रखनी है, ईआर ब्रेथवेट की, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, तो कौन से स्कूल में थे, ग्रिंसलेट स्कूल में थे। ग्रिंसलेट स्कूल किधर थी, लंदन ईस्ट एंड में थी। कौन से क्लास को पढ़ाते थे, ये सीनियर क्लास को, छोटे छोटे बच्चों को नहीं, सीनियर क्लास को पढ़ाते थे, 9th 10th 11th 12th के कोई रेंज में इनको पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एकदम अच्छे से, समझ में आ गया। अभी जाते हैं आगे, आगे क्या लिखा गया आपके टेक्स्ट बुक में, समरी में सब लिखा हुआ है, ईआर ब्रेथवेट फेस्ड रेसिज्म। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ईआर ब्रेथवेट ने रेसिज्म फेस करे, किधर किधर फेस करे रेसिज्म। मैंने क्या बताई, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर इंसान के, किधर किधर फेस करते थे। वो बस में जाते थे तो उनको बस से निकाल दिया जाता था, जॉब के इंटरव्यूज में जाते थे तो उनको लिया नहीं जाता था, इंस्पाइट ऑफ वो उनका अच्छा खासा क्वालिफिकेशन था, इंस्पाइट ऑफ वो सारे क्वेश्चन का आंसर देते थे, फिर भी उनको जॉब नहीं देते थे इंटरव्यू में। वो कोई भी घर ढूंढने के लिए जाते थे कहीं पे कि यहाँ पे मुझे घर खरीदना है या मुझे रेंट के लिए घर चाहिए, तो उधर से भी लोग उनको भगा देते थे। क्यों, बिकॉज उनका रंग ब्लैक है। तीसरा, वो कहीं पे भी खाना खाने के लिए जाते थे रेस्टोरेंट में, इवन रेस्टोरेंट में भी उनको अलाउड नहीं किया जाता था। सोचो किस लेवल पे भेदभाव चल रहा था कलर का, सोचो ब्लैक लोगों को इतना क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, एकदम नीचा, एकदम जो जैसे इंडिया में अनटचेबल्स लोग को फील किया कराया जाता था, उसी प्रकार से लंदन में क्या होता था, ब्लैक लोगों के साथ होता था, और ग्रीन स्लेट स्कूल में भी हुआ ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये पांच चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ईआर ब्रेथवेट ने डिस्क्रिमिनेशन किधर किधर फेस करे, बस में, इंटरव्यू में, घर सर्च करने जाते थे उधर, रेस्टोरेंट में, और ग्रीन स्लेट स्कूल में भी। भले ही ग्रीन स्लेट स्कूल में उनको टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट उधर पे बच्चों ने तो उनके साथ किए ना, उधर के स्टूडेंट्स लोग ने तो किए उनके साथ छेड़खानी। अभी देखते हैं थोड़ा ग्रीन स्लेट स्कूल के बारे में। ठीक है, ग्रीन स्लेट स्कूल में जॉब तो मिल गई, ग्रीन स्लेट स्कूल में जॉब तो मिल गई, बट उधर के वो स्कूल कैसी थी। अबाउट ग्रीन स्लेट स्कूल आपके क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन स्लेट स्कूल का कुछ इंफॉर्मेशन दो। तो क्या लिखोगे आप कि ग्रीन स्लेट स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स थे सब के सब एकदम होते हैं ना फालतू, मतलब कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल नहीं आए गए, उन लोग को स्कूल इसलिए आए गए मस्ती मजाक, सबको चिढ़ाना, टीचर की खींचना, ये सब करने के लिए आते थे, फुल ऑफ ट्रबल मेकर। कोई इधर पे ऐसा तो नहीं है ना, नहीं इधर पे नहीं है यार, ऐसा रहता तो आप थोड़ी आते ऑनलाइन। हु वेर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल फॉर देयर बिहेवियर, अरे रे लोग ये सारे स्टूडेंट थे जिनको दूसरे स्कूल से निकाल दिया गया था, तो इन लोग ने ये स्कूल में आके एडमिशन ले लिए थे, यानी कि फेलियर बच्चे थे सारे के सारे, दूसरे स्कूल से फेल हो गए, वहां से प्रिंसिपल लोग ने हटा दिए, निकाल दिए, तो ये स्कूल में आके एडमिशन ले लिए, तो सोचो कितने खराब बच्चे थे। ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में द नैरेटर, यहाँ पे नैरेटर कौन है, वो ये ई आर ब्रेथवर्ड। ठीक है, इस रेडिक्यूल्ड एंड बुलेड बाय द स्टूडेंट। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इनकी जॉब लगी थी ग्रीन स्लेट स्कूल में, तो वहां के जो उनके क्लास के जो बच्चे थे भाई, खतरनाक तरीके से उनको क्या करते थे, बुलेट करते थे, चिढ़ाते थे, सताते थे, परेशान करते थे। लेकिन क्या हुआ, बट लेटर, लेकिन बाद में क्या हुआ, हिज काम बिहेवियर, लेकिन ई आर ब्रेथवर्ट के काम बिहेवियर ने क्या कर दिया, स्टूडेंट लोग को उनका, स्टूडेंट लोगों का दिल जीत लिया, या स्टूडेंट लोग के दिल के प्रति एहसास जगा दिया कि हम ये सर के साथ कितना बुरा कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सर हमको मारते नहीं है, उसके बावजूद ये सर हमको कुछ बुरा नहीं बोलते हैं, ये चुपचाप हमारी बात सह लेते हैं, और उसके बावजूद हमको ये सर जो है इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं।
है ना। तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई होगी, थीम का क्लोज इन लोग ने क्या कर दिया, रिवील कर दिए कि ये बच्चे लोग कैसे सुधर गए, क्योंकि ईआर ब्रेथवर्ड का इतना अच्छा बिहेवियर रहा इतना परेशान करने के बावजूद कि बच्चे लोग के दिल में एहसास हो गया कि नहीं यार, ये सर की तो ये सर तो एक रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट क्या बोल गए, इनकी तो रिस्पेक्ट होने चाहिए, हम इनको क्यों सता रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसा क्या क्या करे वो सब हमको देखना है। ठीक है, तो देख लो मैंने जो भी अभी आपको इधर पे बताई, जो भी हमने अभी इधर पे पढ़े, वो सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज लिखा गया है। क्या लिखा गया है देख लो, ईआर ब्रेथवर्ट जो है एक इंजीनियर में इंजीनियर थे, ऑयल रिफाइनरी में, एयरफोर्स में उन्होंने काम किए थे ब्रिटिश के लिए। ठीक है, और फिर उनको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने क्या करे टीचिंग की जॉब अप्लाई कर दिए। सरप्राइजिंगली उनका टीचिंग का पोस्ट एक्सेप्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया एप्लीकेशन। कौन से स्कूल में, ग्रीनस्लेट स्कूल में। ये स्कूल किधर थी, लंदन ईस्ट एंड में थी। और कौन से क्लास को पढ़ाने के लिए इनको मौका मिला, सीनियर क्लासेस को। ठीक है, 9th 10th 11th 12th समझ में आ गया। उसके अलावा और क्या लिखा गया है, रॉयल एयरफोर्स में ये पढ़ाते थे, थोड़ा आगे पीछे बट मैंने आपके लिए अच्छे से बना के दे दी थी। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो अभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो जो परेशान करते थे सर को, तो कैसे परेशान करते थे, तो लोग क्या क्या बिहेव किस किस प्रकार का बिहेवियर रखते थे, वो सब अपने को देखना है। तो देखो स्टार्ट रफली, सबसे पहले तो ईआर ब्रेथवर्ड ने जब अपनी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट किए तो वो बहुत ही अच्छी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत रफ स्टार्ट हुआ। वो आए दिन स्टूडेंट लोग उनको एम्बेरस करते रहते थे, शर्मिंदा महसूस कराते थे। ठीक है, कि हम तो गोरे हैं तो हम बहुत सुपीरियर है, आपका रंग तो काला है, आप तो ऐसे हो तो आपको हम चिढ़ा सकते हैं, हमारे पास ये राइट है आपको चिढ़ाने का, ऐसा लोग करते थे, शर्मिंदा महसूस कराते थे। ठीक है, ईआर के जो ब्रेथ स्टूडेंट्स थे वो कैसे थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर्ड थे और मिसचीवियस थे। ना तो रिस्पेक्ट करते थे, बुरा व्यवहार करते थे और शैतानी करते थे। डे वन से परेशान करके रखे थे, कैसे कैसे, डेस्क को स्लैम करते थे, सर वहां पे लेक्चर ले रहे हैं और ये लोग ढोल बजा रहे हैं बेंच में, ऐसा लोग का चलता था। यूज फॉल लैंग्वेज, खराब भाषा इस्तेमाल करते थे सर के लिए। ठीक है, और सर को छेड़ते थे, बुली करते थे। अरे भाई उस क्लास के लड़के तो करते ही थे, उस क्लास की लड़कियां भी कम नहीं थी, लड़की भी जो थी वो सर को परेशान कर रखी थी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर आता है कि ब्रेथवर्ट के जो स्टूडेंट्स थे वो किस प्रकार का उनका बिहेवियर रहता था, तो आपको ये सारे पॉइंट मेंशन करने हैं और उनको थोड़ा एलोबरेट करना है, डिसरिस्पेक्टफुल ये सब यहाँ पे जो मैंने लिखी हूँ। ठीक है, अभी इसका जो सोल्यूशन था, सर क्या करते थे, सब लोग लेक्चर में ध्यान दो, कोई भी कमेंट में टाइम पास नहीं करेगा, मैं देखती हूँ आप लोगों के कमेंट, मुझे सब पता है यहाँ पे कौन टाइम पास करता है और कौन एक्चुअल में स्टडी करता है। ठीक है, वर्बली स्कोल्ड द गर्ल्स फॉर, देखो यहाँ पे जो ईआर ब्रेथवर्ट क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो मतलब उनको मारते तो थे नहीं, हमने देखे ईआर ब्रेथवर्ट मारते तो थे नहीं, तो क्या करते थे, वर्बली स्कोल्ड करते थे, स्कोल्ड मतलब डांटना। तो जो सर है ना, लड़कियों को डांट देते थे उनके बुरा व्यवहार के लिए, कि एक्टिंग इन अनलेडी मैनर, अनलेडी मैनर मतलब कि ये लड़कियों की तरह बात नहीं कर रही हो, ऐसा मतलब वो बोल देते थे। या अनरूली इन द क्लास, मतलब ये आप क्लास में आए हो या मच्छी बाजार में आए हो, आपने भी ये डायलॉग अपने टीचर लोग से सुने होंगे कि क्या है भाई ये क्लास है कि मच्छी मार्केट है, पूरा हालत खराब कर रखे हो क्लास की। तो ऐसा क्या कर देते, यार ब्रेथ तो चिल्ला देते थे, मतलब स्कोल्ड कर देते, वर्बली मारते नहीं थे, याद रखना। स्टूडेंट कंसिडर ब्रेथवर्ड एस, स्टूडेंट जो थे वो ब्रेथवर्ड को क्या समझते थे, स्टूडेंट जो है वो ब्रेथवर्ड पे इतना क्यों एरोगेंट होते थे, उनको लगता था कि ये पता नहीं कौन आ गए है हमारे व्हाइट लोगों के बीच में, ये ब्लैक पर्सन कौन आ गए जो एरोगेंट है, अनफेमिलियर विद सोशल एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब हम सब गोरे गोरे हैं तो ये ब्लैक थोड़े से अलग हो गए हमसे, तो ऐसा सब लोग सोचते थे उल्टी सीधी बात। ठीक है, अब क्या होता है, इन लोग का ना मतलब लोग सुधरते नहीं है, ये जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं लोग सुधरने का नाम लेते नहीं है। तो यार ब्रेथवर्ड बोलते हैं कि कब तक मैं इनको ऐसे डांटूंगा, कब तक मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखूंगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ये लोग सुधर जाए, उनको एहसास हो कि ये लोग जो भी कर रहे गलत कर रहे।
तो ई आर ब्रेथवर्ट क्या करते हैं, देखो ई आर ब्रेथवर्ट अंडरस्टैंड डेट हिज आउटबर्स्ट एंगर नॉट गेन एनी रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन। ई आर ब्रेथवर्ट को क्या समझ में आ जाता है कि मैं इन पे गुस्सा कर रहा हूं या इनको चिल्ला रहा हूं या इनको प्यार से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और ना ही इससे लोग पे कुछ असर हो रहा है, तो मुझे कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। ई आर ब्रेथवर्ट क्या करते हैं, अपने टीचिंग कुछ बदलाव लाते हैं। क्या लाते हैं, बदलाव। ई आर ब्रेथवर्ट चेंजेस हिज, तीन चीज में वो बदलाव लाते हैं। क्या, सबसे पहले तो अपना टीचिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं, दूसरा वो लोग स्टूडेंट लोग को संभालने की टेक्टिक यानी स्टूडेंट लोग को संभालने का मेथड चेंज कर देते हैं, बताती हूँ रुक जाओ, और क्या करते हैं, डिसाइड टू इंटरेक्ट विद देम एज टफ दे आर अडल्ट एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन। और वो क्या बोलते हैं कि अभी ना मैं लोग को ऐसे लोग से ऐसे बात करूंगा जैसे कि ये लोग बहुत रिस्पेक्टेबल लोग है, जैसे डेनहम अगर है तो उसको वो क्या बोलेंगे, मिस्टर डेनहम। अगर लड़की है पमीला नाम की तो उसको बोलेंगे मिस पमीला, मतलब एकदम रिस्पेक्ट के साथ, कि कोई बोलेगा अरे भाई इतनी इज्जत, इतनी इज्जत तो मुझे आज तक नहीं मिली, ये इंसान मेरे को इतनी इज्जत दे रहा है, मानना पड़ेगा यार मुझे भी इज्जत देनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा टेक्टिक वो इस्तेमाल करने लगे कि भाई ये लोग मेरे गुस्से से गुस्से से नहीं सुधर रहे, अब इन लोग को मैं काम करता हूँ रिस्पेक्ट देता हूँ। ठीक है, हो सकता है अपनी रिस्पेक्ट सुनकर ये लोग के दिल में कुछ हो एहसास, राइट। तो टीचिंग स्टाइल, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने अपने टीचिंग स्टाइल में क्या चेंजेस लाए। सबसे पहले तो वो क्या करते थे, जैसे कि नॉर्मली स्कूल में होता है कि टेक्स्ट बुक लेके पढ़ा रहे हैं, है ना। बट इन्होंने क्या बोले, काम करता हूँ मुझे ना लोग के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, ये लोग को मैं कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो इन लोग को फील्ड ट्रिप लेके जाता हूँ। फील्ड ट्रिप मतलब कि उस टॉपिक को समझाने के लिए प्रैक्टिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई म्यूजियम से रिलेटेड कुछ चीज समझानी है तो वो क्या करेगा, उनको सीधा म्यूजियम लेके जाएंगे। अब ऐसे इमेजिन करो ना, एक सर है वो अपने सारे स्टूडेंट को लेके म्यूजियम जा रहे हैं, तो लोग वहाँ पे साथ में स्नैक्स खाएंगे, साथ में ट्रेवल करेंगे, साथ में हंसी मजाक करेंगे, तो वो जो टाइम होगा उसमें लोग घुल मिल जाएंगे, लोग की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी झगड़े थे, जो भी फाइट होती थी, वो सब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो लोग इतना सारा टाइम अपने एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, है ना। तो ये टेक्निक उन्होंने अप्लाई करे कि चलो यार इन लोगों को मैं बाहर लेके जाता हूँ, क्लास के घुमाता हूँ, फिर आता हूँ, फील्ड ट्रिप लेके जाता हूँ, एक्सकर्शन, म्यूजियम, थिएटर, इन लोग को घुमाता हूँ, तो इन लोग को थोड़ा समझ में आएगा, घुलेंगे मिलेंगे लोग मेरे साथ, क्या हो गए, कॉपरेट हो गए, क्योंकि अभी तो मुझे पढ़ाना ही है पूरे साल भर इन लोग को, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब क्या होता है, यही फील्ड ट्रिप में जब ये लोग जाते हैं तो उधर पे दूसरी फीमेल टीचर भी आती है, उनका नाम होता है गिलिन गिलिन, और वहीं पे जो ई आर ब्रेथवर्ड होते हैं और गिलिन होती है, उन दोनों की बातचीत होती है, बातचीत से फ्रेंड, मतलब फ्रेंड तो थे ही पहले, और फिर वहीं पे उन लोग की अच्छी खासी फ्रेंडशिप होती है, और ई आर ब्रेथवर्ड एट दी एंड यही गिलिन से शादी कर लेते हैं। तो बस इतनी सी बात इन लोग की इधर पे लिखी गई, आपको याद रखना है, ठीक है, कि ई आर ब्रेथवर्ड जो थे वो ग्रीन स्लेट स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, वहाँ के बच्चे लोग का ऐसा बिहेवियर था, इसलिए उन्होंने सॉल्यूशन निकाले कि लोगों को बाहर घुमाने लेके जाता हूँ, वहाँ पे घुमाने लेके गए, तो वहाँ पे दूसरी टीचर भी आई थी गिलिन नाम की, वहाँ पे दोनों में अच्छी जम गई, तो लोग दोनों ने उससे शादी कर ली, ई आर ब्रेथवर्ड ने और गिलिन ने, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखो क्या है, लड़कियों को मिस से बोलना स्टार्ट कर दिए थे, मैनी ऑफ स्टूडेंट हैव नेवर बीन, कभी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी भाई साहब उन लोग को, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, समरी के तौर पे पेज नंबर 179 अपना चल रहा है अभी भी, ठीक है, पेज नंबर 179। देखो यही जो मैं चूज पढ़ा रही हूँ ना उसी में से आपको क्वेश्चन निकल निकल के आएंगे, आपको बोलेगा कि स्टूडेंट्स के ई आर ब्रेथवर्ड के स्टूडेंट के बारे में बताओ, ई आर ब्रेथवर्ड की चेंजेस के बारे में बताओ, क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाए, तो आप ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हूँ ये आपको लिखने हैं, नोट डाउन कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, ये सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेथवर्ड प्रेजुडाइजेस, ब्रेथवर्ड प्रेजुडाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रेथवर्ड प्रेजुडाइजेस, प्रेजुडाइजेस मतलब क्या होता है, एक प्रकार से किसी के साथ बुरा होना, ठीक है, बुरा होना, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, अगर ऐसा मान लो कि मेरी कोई फ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दी, है ना, तो मैं बोलूंगी, मतलब मैं बोलूंगी मेरे साथ क्या प्रेजुडाइज हुआ, तो उसी प्रकार से यार ब्रेथवर्ड के साथ क्या प्रेजुडाइज हुआ वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक गुआना नाम के जगह में पैदा हुए, ठीक है, देयरफॉर ही व्यूड हिमसेल्फ एज अ ब्रिटिश सिटीजन,
गुआना किधर है? फ्रेंच फ्रांस कंट्री जो है उधर पे ये सिटी है, उधर पे इनका जन्म हुआ, ठीक है। बट इनके जो मम्मी डैडी थे वो कहीं और के थे, अफ्रीका के इधर उधर के थे, तो इसकी वजह से उनका रंग अलग है, ठीक है। तो इसलिए वो अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन समझते थे। ब्रेथवर्ट जो थे वो फ्रांस में पैदा हुए, फ्रांस में 90% लोग का रंग गोरा गोरा होता है, अब ये इनका रंग ब्लैक है, तो इनके साथ क्या हुआ वही हम वही सेम चीज पे लिखी गई है, नॉट एज ब्लैक ब्रिटिश सिटीजन इन ब्रिटिश कॉलोनी। वो अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन समझते थे। तो अगर ब्रिटेन को सोल्जर्स की जरूरत है, ब्रिटेन को अगर जरूरत है कि हमारे देश की रक्षा हो, तो ये आगे खड़े रहते थे कि हाँ भाई मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, तो मेरा हक है कि मैं इन लोग की हेल्प करूँ। तो ये तो अपनी तरफ से फुल सपोर्ट देते थे ब्रिटेन को, लेकिन इनके साथ तो धोखा हो गया ना। ब्रिटेन लोग ने उतना रिस्पेक्ट इनको नहीं दिए, उतना सेम चीज नहीं दिए, लोग ने तो उनको धोखा दे दिया, जॉब से निकाल दिए, भगा दिए, काम होने के बाद वॉर खत्म हुई तो जॉब से हटा दिए। वो ये देखो, व्हेन ही सर्व ग्रेट ब्रिटेन इन रॉयल एयरफोर्स गेव रिस्पेक्ट एंड एस्टीम इन द सोसाइटी। इन्होंने ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स में सर्व करे उधर पे, लेकिन जैसे ही उनकी जॉब गई तो उनको क्या हो गया, ब्रिटेन लोग ने एकदम वो बना दिए कि नहीं भाई अब तुमको कहीं पे जॉब नहीं मिली। तो ये था उनका प्रिजुडाइस। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेथवर्ट का प्रिजुडाइस लिखो, तो आप क्या लिखोगे कि ये फ्रांस में पैदा हुए थे, भले इनका रंग अलग था, ठीक है, मम्मी डैडी की वजह से, क्योंकि मम्मी डैडी कहीं और के थे, तो फ्रांस में पैदा हुए तो अपने आप को क्या समझते थे, ब्रिटिश समझते थे, लेकिन ब्रिटिश लोग ने इनको धोखा दे दिए, यहाँ पर मैंने रीजन दे दिया, ये इनके साथ बुरा हुआ। अब इनके साथ जब इनको पता चला कि मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया, मैंने रॉयल एयरफोर्स में सर्व करा, उसके बावजूद मैं कोई लोग कहीं पे अब जॉब नहीं दे रहे हैं, तो इनके दिल में क्या होने लगा, इनके दिल बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ यार, ऐसा उनको फील हुआ, ठीक है। हमेशा ये कहीं पे भी जॉब में जाते थे, ऑलवेज इन्फॉर्म्ड, मतलब ये कहीं पे भी जॉब के लिए जाते थे तो हमेशा इनको क्या होता था, ये रीजन से हटा दिया जाता था कि जॉब अभी ऑलरेडी फील्ड है, या तो तुम ओवर क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए, वाओ व्हाट अ रीजन कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो इस जॉब के लिए, याद है यार, मतलब है ना, तो ऐसा होता था। तो देखो वही है प्रिजुडाइजेस, प्रिजुडाइज क्या है, और हमने पहले जो भी पढ़े वो सब कुछ इधर पे लिखा हुआ है, ठीक है। गुआना में पैदा हुए थे, ब्रिटिश समझते थे, वो सब कुछ इधर पे है, देखो जॉब फील्ड है, ओवर क्वालिफाइड है, ठीक है। जो भी मैं आप यहाँ पे नोट्स में लिखी हूँ ना एकदम सिस्टमेटिक वे में, कि कौन सा हेडिंग जो है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स ही लिखने हैं। प्रिजुडाइस के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपके ये सारे पॉइंट्स ही आने चाहिए आंसर में, है ना। तो ये नोट्स अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली सारा चैप्टर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, और सिनॉप्सिस ये अपना समरी हो गया, ठीक है। पेज नंबर 179 हमने पढ़ लिए, अब अपन जा रहे हैं पेज नंबर 80, सिनॉप्सिस, समरी और थीम हो गया। अब सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है, एकदम शॉर्ट समरी, कोई भी स्टोरी की शॉर्ट्स। देखो लाइन प्लान एक्सप्लेनेशन तो स्टार्ट भी नहीं हुआ यार हो जाएगा, अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना, हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। देखो हाफ ईयरली रिपोर्ट, हाफ ईयरली यानी आधा साल, स्टूडेंट लोग ने जो भी पढ़े उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, 15 नवंबर की डेट डिसाइड की जाती है। कौन डिसाइड करता है, प्रिंसिपल लोग डिसाइड करते हैं, ओके, कि इस स्कूल के अंदर जितनी भी क्लास है, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर 10वीं क्लास के हर एक बच्चे क्या करेंगे, स्टेज में आएंगे, बड़ा सा हॉल वो लोग ने बुक किए थे, एक बड़ा सा हॉल होता है ना स्टेज, और एकदम बहुत सारी सीटें लगी होती है, एक हॉल बुक किए होते हैं, और एक एक क्लास स्टेज में आती है, वो पूरा आधा साल लोग ने क्या पढ़ी उसको लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 15 नवंबर का डेट डिसाइड किया जाता है। स्टूडेंट विल गिव रिपोर्ट टू टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट, क्या होगा प्रेजेंटेशन में, जो स्टूडेंट्स होंगे वो लोग प्रेजेंटेशन देंगे, रिपोर्ट देंगे, किसको देंगे, टीचर्स और बाकी सारे स्टूडेंट को, यानी क्लास 1 के बच्चे लोग स्टेज में जाएंगे, तो ऑडियंस में कौन होगा, उस स्कूल के सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, यानी क्लास 10 तक के सारे बच्चे बैठ के देखते रहेंगे, ठीक है, क्लास 1 का बच्चा ऐसा। ऑन वॉट दे हैव बीन स्टडिंग दस फार, ठीक है, क्या टॉपिक पे, कि अब तक आधा साल उन्होंने क्या पढ़े।
अब ईआर ब्रेटवर्थ की जो क्लास थी, ईआर ब्रेटवर्थ किसको पढ़ा रहे थे? छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे थे, वो सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तो उनका टर्न कब आएगा? एंड में आएगा, क्योंकि क्लास वन का प्रेजेंटेशन पहले होगा, फिर क्लास टू का, थ्री का, फोर का। ईआर ब्रेटवर्थ जो है 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे, तो उनके बच्चों का प्रेजेंटेशन कब आएगा? एकदम एंड में आएगा, ठीक है? तो उनका जो है ना एक्साइटमेंट एकदम डरे हुए होते हैं पूरा का पूरा टाइम। और क्या उन लोग को बोला जाता है? हाउ मच दे हैव लर्न अबाउट पीपल, कल्चर, कस्टम। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल, मतलब ये सब ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि बच्चे लोग जो है ये सब टॉपिक पे आके बोलेंगे, ठीक है? अब ये सारे जो लोग हैं, मिस जोसेफ और डेनहम, ये कौन है? ये जो है ईआर ब्रेथवर्ट के क्लास के स्टूडेंट है। इन लोगों को क्या बनाया जाता है? इन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ईआर ब्रेथवर्ट सबसे बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़े बच्चों की क्लास में जो स्टूडेंट होंगे उन लोगों को एज ए मॉनिटर रख दिया जाता है कि ये लोग स्टेज में बैठे रहेंगे, ठीक है? एक कौन होती है? एक होती है जोसेफ और एक होता है डेनहम। इन लोग क्या करते हैं? स्टेज में बैठते हैं। ये जो मिस्टर फ्लोरियन है, ये प्रिंसिपल है, सुनो गौर से। ग्रीन स्लेट स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या है? फ्लोरियन। वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि फ्लोरियन बीच में बैठेगा, जोसेफ साइड में और देनहम उसके बाजू में, ठीक है? किधर पे बैठे हैं? ऑन द स्टेज, सेट ऑन द स्टेज, ठीक है? जोसेफ और देनहम कौन है? दो सीनियर स्टूडेंट है ईआर ब्रेथवर्ट के क्लास के, ठीक है? एड्रेसेस द मीटिंग विद अ लेंथी बट वेल रिसीव प्रेजेंटेशन। बस वही बोल रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, भी हम लाइन टू लाइन में पढ़ने ही वाले वैसे भी, कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले प्रिंसिपल लोग स्पीच देते हैं ना, वही, ठीक है? हेडमास्टर है, हेडमास्टर मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। थीम दे रहा है, ये सब चीज अपने को भी फिर से पढ़नी है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में। क्या होता है? वन आफ्टर अनदर ईच क्लास गिव्स अ ब्रीफ रिपोर्ट टू देयर प्रोग्रेस। एक के बाद क्लास वन, एक के बाद क्लास टू, थ्री, फोर, ऐसा प्रेजेंटेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऑन वॉट दे हैव बीन स्टडिंग, देखो एक ही बात लिखी गई है, आगे बढ़ते। पैनल ऑफ ईच टीचर इज चूजन फॉर ईच क्लास टू आंसर एनी क्वेश्चन रिगार्ड। देखो अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि प्रेजेंटेशन को क्या करो? हाईलाइट करो, इल्यूस्ट्रेट करो। तो इसके ये सब आंसर में आप लिखोगे, ठीक है? उसका जो आंसर लिखोगे ना आप, ये सब लिखोगे कि प्रेजेंटेशन में मिस्टर फ्लोरियन बैठे थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करे थे, उनके साथ में जोसेफ और देनहम बैठे थे। 15 नवंबर डेट डिसाइड हुई थी, क्लास वन से लेके क्लास 10th के बच्चे आ रहे थे, ठीक है? उन लोगों ने आधे साल पूरा क्या पढ़े उसके ऊपर लोगों को देना था स्पीच। लोअर क्लास सबसे पहले आएगी, और फिर ऐसा लग रहा था कि मतलब क्लास वन के बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फिर क्लास टू, थ्री, फोर, फाइव, एट, नाइन, 10th, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा ना कि प्रोग्रेस हो रहा है। क्लास वन के बच्चे कितने नादान और कितने वो होते हैं मासूम, लोग के प्रेजेंटेशन का देने का तरीका एकदम अलग होता है, शाये शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। तो वहां पे वही लिखा है कि मार्क डेवलपमेंट इन देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ चल रहा था, ब्रेथवर्ट क्लास बीइंग द ओल्डेस्ट वाज द लास्ट टू प्रेजेंट। हुई है। अब ये जो मिस जोसेफ थी, बिगिंस इन द हाईएस्ट क्लास प्रोसीडिंग बाय क्लेरिफाइंग दैट द कॉमन थीम अंडरलाइंग ऑल द स्टडीज इन दिस टर्म इज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब ईआर ब्रेथवर्ड की क्लास की टर्न आ चुकी है प्रेजेंटेशन के लिए, तो ईआर ब्रेथवर्ड की क्लास का जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला स्टूडेंट कौन होता है जो आके बोलता है? वो होती है मिस जोसेफ। क्या, कौन से टॉपिक के बारे में बोलती है? इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, रुक जाओ। फिर उसके बाद आता है पॉटर। पॉटर नाम का एक स्टूडेंट आता है। ये अब ये जो भी स्टूडेंट है ये कौन है? ईआर ब्रेथवर्ड के स्टूडेंट है, ठीक है? ईआर ब्रेथवर्ड के क्लास के स्टूडेंट आ गए, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और ईआर ब्रेथवर्ड एकदम ऐसा बैठे हुए हैं कि अरे भाई लोग नाक ना कटा दे मेरी, है ना? फिर आता है पॉटर। पॉटर कौन से सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन देता है? मैथ्स पे देता है, ठीक है? वेट और मेजर्स के बारे में वो सब बोलता रहता है। फिर उसके बाद आते हैं कौन? मिस पैग और जैक्सन जोड़ी बना के आते हैं, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे क्या करते हैं? अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर आते हैं मिस डेयर एंड फरमान, ये दोनों आते हैं साथ में, और कौन से सब्जेक्ट पे अपना प्रेजेंटेशन देते हैं? फिजियोलॉजी। याद रखो हाँ, ये जो अपने हैं जोसेफ, पॉटर, पैग, जैक्सन, डेयर, फरमान, ये सारे कौन है? अपने ईआर ब्रेथवर्ड के स्टूडेंट है। अब ये जो होते हैं ना, फरमान जो होता है, इसका जो प्रेजेंटेशन होता है ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि ये अपने प्रेजेंटेशन को सिर्फ वर्बली स्पीक करके नहीं भाग जाता है, ये अपने प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिकली शो करता है। तो बस ये आप लोग ये
याद रखना, बिकॉज ये पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है कि फरमान का प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट क्यों रहा, तो इसका पीछे की स्टोरी क्या है, क्योंकि ये जो है अपना प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली समझाया था ना कि ओरली। इसका जो टॉपिक था वो था फिजियोलॉजी, उसमें उसने एक ह्यूमन के स्केलेटन को एक्चुअल में स्टेज में लाया था, एक स्केलेटन को लाया और स्टेज में रखा और सबसे सवाल किया, बोला कि बताओ मैंने आपके सामने एक स्केलेटन लाया हूँ, आप में से कोई इधर पे कोई ऐसा है जो बता सकता है कि ये स्केलेटन कौन से कंट्री का रहने वाला है, ये चाइना में रहता है, जापान में रहता है, इंडिया का है, अमेरिका का है, लंदन का है, अफ्रीका का है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो स्केलेटन का ओरिजिन बता सकता है, या इस स्केलेटन का कलर क्या था, ये गोरा था, ये काला था, या सांवला था, या कैसा था, क्या कोई इंसान इसे आंखों का कलर बता सकता है, क्या कोई इंसान इस स्केलेटन का रिलीजन बता सकता है, क्या कोई इंसान ऐसा है जो इस स्केलेटन का जेंडर बता सकता है, तो फरमान ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है, और कोई भी जो ऑडियंस है इसका आंसर नहीं दे पाती है, सब बोलते कि नहीं यार ये तो स्केलेटन तो उसे तो पता ही नहीं लग रहा है ये क्या था, तो एट दी एंड वो कंक्लूजन क्या देख बोलता है कि यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वी ऑल ह्यूमन आर सेम, हम जो भी इंसान है क्या है, वी ऑल आर सेम, किसी को भी ऐसा भेदभाव मत करो कि आप काले हो तो आप हमसे अलग हो, ठीक है, या तो फिर आप अमेरिका में हो, हम चाइना, इधर चाइना के है, ये इधर का है, तो हम सब अलग है, आप क्रिश्चियन हो, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, तो हम सब अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एट दी एंड जो है सब सेम है, ठीक है, तो ये वो इस प्रकार से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन देता है कि सबका दिल जीत लेता है, सब ऑडियंस बहुत ताली बजाती है, तो आप अपने आंसर में करो, ठीक है, फिर कौन आती है इसके बाद, फरमान के बाद आती है मिस डॉड, ये कौन से सब्जेक्ट पे अपना प्रेजेंटेशन देती है, हिस्ट्री, फिर उसके बाद आती है मिस जोसेफ, वो डोमेस्टिक साइंस पे प्रेजेंटेशन देती है, फिर आता है डेनहम, डेनहम जो है वो बड़ा खतरनाक है, वो एक टीचर से भिड़ जाता है ना, गुस्सा करने लगता है, आर्ग्यूमेंट करने लगता है, क्या आर्ग्यूमेंट करता है डेनहम जो है, वो भड़क जाता है, वो बोलता है क्योंकि ना डेनहम जो होता है वो बॉक्सर होता है, कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास के जो फिजिकल एक्टिविटी पीटी ये सब में उनको बहुत मजा आती है ना, आप लोग को भी बहुत मजा आता होगा जब पीटी का पीरियड होता है तो एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, तो डेनहम जो होता है वो बोलता है कि अरे यार आप जो है पीटी करा रहे हो, पीटी मतलब क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, वो बोलते हैं कि ये पीटी जो है ना छोटे छोटे बच्चों के लिए, हम जो सीनियर बच्चे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, हमारे लिए कोई अच्छे अच्छे गेम्स खिलाओ हमको जिसमें भाग दौड़ हो, एक्साइटमेंट हो, बहुत सारी विनर ये सब सब हो, जैसे फुटबॉल खिलाओ, कबड्डी खिलाओ हमको, अलग अलग बैडमिंटन ऐसे गेम खिलाओ, या पीटी क्यों करा रहे हो हमको, इस सब तो कोई फायदा ही नहीं है, सब देन हम जाके सब हड़क जाते हैं टीचर्स पे है ना, और बोलते हैं कि आप जो भी पीटी का सब्जेक्ट रखे हो ना बड़े बड़े बच्चों के लिए सब पॉइंटलेस है, हमको इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, हमको गेम खिलाओ, हमको भाई गेम खेलना है, हमको फुटबॉल खेलना है, 1 2 1 2 3 4 नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा भिड़ जाता है, तो तीन टीचर होते हैं, तीन टीचर वेस्टर्न नाम के, ये मिसेस डेल इवान होती है और मिस फिलिप होती है, ये तीन टीचर लोग जो होते हैं देन हम का आंसर देते हैं, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग ये रीड कर लेना क्या है, अभी व्हाट टू व्हाट एक्सप्लेनेशन बाकी है ना, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही चलो तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, यहाँ पे अपना सिनॉप्सिस हो गया, सिनॉप्सिस हो गया इन द सेंस शॉर्ट समरी हो गई कि कौन से बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन दिया, इसको प्लीज लिख लो और हो सके तो कोडवर्ड से याद कर लेना, ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ, जोसेफ और डेनहम मॉनिटर बने थे, प्रिंसिपल के साथ स्टेज में बैठे हुए थे, पॉटर मैथ्स पे अपना देता है प्रेजेंटेशन, पैग और जैक्सन ज्योग्राफी पे, फरमान और डेर्स फिजियोलॉजी पे, फरमान का प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो स्केलेटन को स्टेज पर लाके प्रैक्टिकली चीजों को समझाता है, मिस डॉट जो होती है वो हिस्ट्री पे देती है, ये मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस, डेनहम जो है वो पीटीओ गेम्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट करता है, ठीक है, चलो अभी देखते हैं अपना फाइनली वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन इन द सेंस अब आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई है, अब आपको जो भी बताया जाएगा वो डिटेल में टाइम के साथ डेट के साथ जगह के साथ बताया जाएगा कि जो चीज है वो 10 बजे घंटी बजी इतने तारीख को यहाँ पे माहौल कैसा था सब कुछ बताया जाए, इसी को बोलते हैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, देखो ऑन नवंबर कौन सी तारीख बताओ, मैंने आपको बताई,
ये जो प्रेजेंटेशन का सिलसिला है, ये जो प्रेजेंटेशन का सिलसिला है, ये कौन सी तारीख को होने वाला है? 15 नवंबर, याद रखना, आज 15 अक्टूबर है, 15 नवंबर मतलब हो चुका है एग्जाम्पल, 15 नवंबर आ चुका है। ब्रेथवर्ड बिकेम एज एक्साइटेड एज द चिल्ड्रन एज द डे अप्रोच। जैसे ही 15 नवंबर आया, ईआर ब्रेथवर्ड इतना ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए जितना बाकी सारे बच्चे थे, कि अरे भाई पूरी स्कूल के सामने हमको प्रेजेंटेशन देना है, भाई साहब बहुत डर लगता है यार, है ना, एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस होता है। माहौल कैसा था उधर का? माहौल कुछ इस प्रकार था कि उधर के सारा का सारा जो भी अरेंजमेंट था, दिन था, सब वो कौन कंट्रोल कर रहा था? सारे के सारे बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट, मतलब सब स्टूडेंट इधर उधर भाग रहे, चीजों को अरेंज कर रहे, कोई प्रेजेंटेशन के लिए डेमो कर रहा है ना, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई इधर पे कुर्सी रख रहा है, तो कोई किसी को सर्व कर रहा है ना। तो डे अरेंज प्रेजेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सब के सब स्टूडेंट। ऐसा लग रहा था कि एक एक टास्क हर एक बच्चों को दे दिया गया है। टास्क वेर एलोकेटेड एंड फिटेड इन टू अ नीट प्रोग्राम लाइक बिजनेस। जैसे एक बिजनेस में एक एक टास्क सबको अलग अलग दे दिया जाता है, कि तू मैनेजर है तो तू ये काम कर, तू क्लर्क है तो तू ये काम कर, तू असिस्टेंट मैनेजर तो तू ये। तो ऐसे ही वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे, सबने एक एक काम उठा लिए, तो सब लोग अपना काम कर रहे थे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा था? एकदम खुसुर खुसुर बात हो रही थी बच्चों की, बिकॉज लोग सब प्रैक्टिस कर रहे थे, सब बातें कर रहे थे। जितने भी बच्चे थे उधर पे, जितने भी स्टूडेंट थे जो भी एक एक करके स्टेज पे आएंगे और प्रेजेंटेशन देंगे, वो लोग सब कैसे आए थे? एवरी चिल्ड्रन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड पॉलिश्ड, एकदम स्मार्ट, मस्त कपड़े, यूनिफॉर्म में एकदम पॉलिश्ड बन के आए थे, जूता उता पॉलिश करके आए थे। ठीक है, क्या होता है अभी बैक स्टेज ये सब चल रहा है, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब 10 बजे घंटी बज जाती है, बेल रंग एट्स 10 AM, 10 बजे घंटी बजती है, और क्या होता है? ये देखो स्टेज मैंने बनाई हूँ, ये नोट्स जो है मैं आपको दे दूंगी, बड़ी कलरफुल नोट्स बनाई हूँ, इसको आप देखोगे तो मजा आए। ठीक है, स्टेज का पर्दा खुलता है, ऑडिटोरियम के स्टेज में कौन बैठा है बताइए जल्दी से? ऑडिटोरियम के स्टेज में कौन बैठा है? हमने देखे थे 3 लोग बैठे हैं। कौन? जोसेफ बैठी हुई है, बीच में प्रिंसिपल बैठे हैं फ्लोरियन, और तीसरा कौन है? देन हम। ठीक है, ये 2 कौन है? सीनियर स्टूडेंट। पर्दा खुलता है, 3 लोग स्टेज में बैठे हुए हैं, बाकी सारी ऑडियंस कुर्सियों में बैठी हुई है। ठीक है, एज सून एज एवरी वन वॉज सीटेड एंड साइलेंट स्टूड एंड एड्रेस टू द स्कूल। जैसे ही सब लोग बैठ जाते हैं, सब कुछ शांत माहौल होता है ना, कि हाँ अभी चलो शुरू हो गया है, सबसे पहले कौन आता है स्टेज पर और क्या होता है? देखो फ्लोरियन, पढ़े थे ना हमने, प्रेजेंटेशन की शुरुआत कौन करता है? फ्लोरियन प्रिंसिपल। प्रेजेंटेशन की मतलब कि इससे प्रोग्राम की शुरुआत कौन करता है? फ्लोरियन प्रिंसिपल। वो आते हैं और क्या बोलते हैं? कि आज हमारे स्कूल की क्या क्या पॉलिसी है, ये सब पे वो बताते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं, बोलते हैं कि हाँ बस आपकी 2 लाइन बोलना चाहूंगा, और 2 लाइन के चक्कर में 2 घंटे की स्पीच दे देते हैं। वही चीज इधर पे भी होती है, कि वो अपने स्कूल के एम्स, हमारे स्कूल का क्या क्या एम है, क्या क्या पॉलिसीज है, सब बताने लगते हैं। वो अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कि हमारे स्टूडेंट क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन करे, वो सब चीजों के बारे में बताने लगते हैं। जहां जहां उनको लगता है कि ये सारे लोग काबिल तारीफ के काबिल है, उनकी तारीफ करते हैं, प्रेज वेर एवर इट वॉज इंडिकेटेड, बट इंसिस्टेड देर वॉज येट अ ग्रेट डील टू बी डन। बट वो एक चीज ऐसा बोलते हैं कि हमको भी बहुत कुछ अचीव करना है, ये स्कूल को और आगे लेके जाना है। ठीक है, एज अ प्रिंसिपल वाला चीज है यहाँ पे वो बोलते हैं सब। फिर क्या होता है? और बोलते हैं हमको इस स्कूल में बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाने हैं। कौन कौन से? अपने को कंडक्ट यानी बिहेवियर, स्टूडेंट लोग का बिहेवियर सुधारना है, स्कूल की क्लीनलीनेस को अच्छा रखना है, नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? सारे के सारे बच्चों को सक्सेस विश करते हैं और स्टेज से उतर के निकल जाते हैं। जैसे ही पता है प्रिंसिपल की स्पीच खत्म होती है, तो उसे क्या बचती है? ट्रेमेंडियस अप्लॉज, तो सब लोग ताली बजाने लगते हैं। अच्छा, अब ये जब ब्रेथवर्ड जब इनकी स्पीच सुनते हैं, ब्रेथवर्ड फ्लोरियन की जब स्पीच सुनते हैं, तो ब्रेथवर्ड रियलाइज करते हैं
अरे यार, प्रिंसिपल को पता है कि इसके स्कूल के बच्चे बड़े ही खराब है, बहुत परेशान करते हैं, जब ही तो उसने ऐसा बोला कि हमको स्कूल के कंडक्ट सुधारना है, बिहेवियर सुधारना है ना, तो यहाँ पे याद रखना, बाय लिसनिंग टू हिज स्पीच ब्रेथवर्ट रियलाइज फ्लोरियन को पता है, फ्लोरियन नोज द ट्रू कंडीशन ऑफ स्कूल, फ्लोरियन को अपने स्कूल का असली कंडीशन पता है, इसलिए उसने एकदम बराबर सब बोल के गया कि किधर किधर इम्प्रूवमेंट चाहिए और किधर किधर लोग काबिल तारीफ के काबिल है, उधर उसने तारीफ भी किया। ठीक है, ये चीज याद रखना यार, छोटी छोटी चीजें बट क्वेश्चन आएंगे, मैं तो बोल रही हूँ ये सब में से आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, 15 नवंबर आया, सुबह 10 बजे घंटी बजी, सब लोग आ चुके हैं हॉल में, स्टेज में 3 लोग बैठे हैं, देन हम जोसेफ एंड फ्लोरियन, ठीक है, सब लोग शांति से बैठे हैं, फ्लोरियन आया प्रिंसिपल और स्पीच दिया, जैसे वो स्पीच देके गया बहुत सारी ताली बजी, ब्रेथवर्ट को रियलाइज हुआ कि अरे भाई इसको तो अपने ट्रू कंडीशन पता है स्कूल की। फिर क्या होता है, जब प्रिंसिपल स्टेज से चले जाता है स्पीच देके, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन जो आता है आती है वो है मिस जोसेफ, वो क्या करती है, वो यहाँ जो बैठी थी स्टेज में वो आती है, क्या बोलती है, एक प्रकार से प्रेजेंटेशन देने का वो करती है कि कैसे अपने को प्रेजेंटेशन होने वाला है, कौन सा स्टूडेंट कब आएगा, सब वो नोटिस करती है, नोटिस देती है। देखो जोसेफ क्या करती है, खड़ी होती है एंड गेव शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काउंसिल पर्पस एंड इट्स एक्टिविटी, प्रोग्राम का क्या करती है, पर्पस बताती है कि ये प्रोग्राम आज क्यों हो रहा है और इसमें क्या क्या होने वाला है। क्या बोलती है वो, देखो, ईच क्लास वुड रिप्रेजेंट थ्रू इट रिप्रेजेंटेटिव, जो भी क्लास आ रही है उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब क्लास वन का अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोई बच्चा आके प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसका कोई एक हेड बच्चा होना चाहिए जो इस प्रेजेंटेशन को संभालेगा। ठीक है, ऑन द स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग हाफ ईयर विच बिगेन आफ्टर ईस्टर, कौन से टॉपिक पे लोग को देना है, आधा साल तुम लोग ने जो भी पढ़े, ईस्टर एक एक उधर पे होता है बस प्रोग्राम अपना फेस्टिवल टाइप, रिप्रेजेंटेटिव चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट देख लिए, व्हेन क्लासेस हैड कंप्लीटेड देयर रिपोर्टेड पैनल ऑफ टीचर वुड बी इनवाइटेड टू ऑक्यूपाई द स्टेज। देखो क्या बोल रहा है, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, एंड में क्या होने वाला है, एंड में एक टीचर के पैनल को स्टेज में बुलाया जाएगा, गौर से सुनो बात को, जैसे ही बच्चों का प्रेजेंटेशन देके हो जाएगा, एंड में टीचर के पैनल को स्टेज में बुलाया जाएगा, पैनल मतलब क्या, ग्रुप, तीन टीचर को स्टेज पे बुलाया जाएगा और वो तीन टीचर को कोई भी बच्चा कुछ भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और वहीं पे डेनहम भिड़ जाता है, वहीं पे जो डेनहम है ना वो टीचर लोग को सवाल पूछता है कि भाई पीटी हटाओ ना, गेम डालो, और वो टीचर्स लोग को उस क्वेश्चंस का आंसर देना ही पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ द पैनल वॉज एंटायरली एट द फ्रीडम ऑफ द चिल्ड्रन, इतने सारे टीचर्स में से कौन से टीचर स्टेज पे जाएंगे ये पूरा का पूरा डिसीजन बच्चों के हाथों में होगा। नो मेंबर ऑफ द स्टाफ न्यू आइदर हाउ मेनी और विच टीचर वुड बी इन्वाइटेड, कोई भी स्टाफ को, कोई भी टीचर को नहीं पता होगा कि कौन से टीचर को स्टेज पे बुलाया जाएगा। रिपोर्ट स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट क्लास टू द हाइएस्ट क्लास, जो प्रेजेंटेशन है, जो रिपोर्ट है, वो छोटी क्लास से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ी क्लास तक जाएगी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मिस जोसेफ जो है उसने क्या स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन रिपोर्ट का नोटिस दी और एक्टिविटी बताई, तो आप ये सारे पॉइंट को लिख कर आओगे, ये जो भी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर क्या होता है, लोवेस्ट क्लास से शुरू हो जाता है, जोसेफ जो है बोल के चले जाती है, फिर सबसे पहली क्लास के बच्चे जो आते हैं, सबसे लोवेस्ट क्लास के 12 12 साल के आते हैं, लोएस्ट क्लास फर्स्ट क्लास, ये पता नहीं, देखो क्लास तो लिखा नहीं है, सिर्फ लोएस्ट क्लास लिखा है, वो लोएस्ट क्लास लोग स्कूल में जो भी होगी वो है, 12 साल के बच्चे, 12 साल के है, मतलब 8 स्टैंडर्ड के, 7th 8th। ज्वाइन द स्कूल प्रीवियस ईयर, पिछले साल ये लोग ने अपनी स्कूल को ज्वाइन किया है, प्रेजेंटेशन देने के टाइम लोग बहुत शर्मा रहे थे, ऐसा खड़े मतलब होते ना स्टेज में खड़े होने से बहुत डर रहे थे, पूरी स्कूल के सामने खड़े होना है, फ्राइटन कांप रहे थे, बट फिर भी यार मैनेज कर लिए, इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी मैनेज कर लिए, देयर रिपोर्ट वॉज शॉर्ट, ये सारे जो छोटे छोटे बच्चे थे लोग ने छोटा छोटे प्रेजेंटेशन दिए और भाग गए। ठीक है, निकल गए, मतलब अब जो भी मैंने आपको पढ़ाई वो सब कुछ आपका पेज नंबर 181 में लिखा हुआ है और कुछ कुछ पेज नंबर 182 में भी है। ठीक है,
वही है जो भी हमने पढ़े ना, रीड करो टेक्स्ट बुक, मजा आ जाएगा। ठीक है, वही सब है A to Z। कहाँ तक पढ़े? क्लास आफ्टर क्लास। ओके, हाँ पेज नंबर 81। अब उसके बाद क्या है, देखो क्लास आफ्टर क्लास हो गया। अब आती है ब्रेथवर्ट के स्टूडेंट की बारी। थ्रू आउट द रिपोर्ट द एम्फेसिस वॉज ऑन वॉट दे हैव अंडरस्टूड रेदर देन वॉट दे हैव एक्सपेक्टेड टू लर्न। ब्रेथवर्ड के जो स्टूडेंट थे वो लोग ने क्या फोकस करे रिपोर्ट में, कि उन लोग ने पूरा साल क्या समझे है, रेदर देन कि सिलेबस में क्या है उसको पढ़ाओ। मतलब उन लोग को एक्चुअल में जो चीज़ समझ में आई है वो लोग ने वही समझा किया है। ठीक है, जैसे ही ब्रेथवर्ड के स्टूडेंट की बारी आई, ब्रेथवर्ड क्या हो गए, एकदम भाई एंशियस हो गए, घबरा गए। मतलब उनकी नाक भी कट सकती है ना, अगर लोग के बच्चे लोग ने कुछ भी वहां पे जाके छेड़खानी कर दी है, स्टेज में जाके लड़ने लग गए, स्टेज में जाके कुछ भी हरकत करने लग गए, तो नाम किसका खराब होगा, उनके क्लास टीचर का नाम खराब होगा या ब्रेथवर्ड का नाम खराब होगा। इसलिए बहुत डर गए, एंशियस हो गए। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रेथवर्ड एंशियस क्यों हो गए थे, तो आपको ये सब रीजन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कौन करता है? देन हम। फ्रॉम द लिस्ट हेल्ड इन हिज हैंड ही कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव विद देयर सब्जेक्ट। ER ब्रेथवर्ड की क्लास अब स्टेज में आ चुकी है। ER ब्रेथवर्ड की क्लास का सबसे पहला स्टूडेंट जो स्पीच देना स्टार्ट करता है वो होता है देन हम। क्या करता है, उसके हाथ में क्या होती है, लिस्ट होती है, एक पेज में एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के नाम, वो बच्चों के नाम लेते हैं, उस लिस्ट में बच्चों के नाम लिखे हुए होते हैं। वो सारे बच्चे एक एक करके स्टेज में आते हैं। ठीक है, किस किस को बुलाता है, क्या क्या कौन कौन होता है उसमें? पॉटर नाम लेता है, पॉटर अरिथमेटिक, यानी कि क्या, पॉटर जो है वो अरिथमेटिक पे स्पीच देगा। फिर सेकंड नाम वो क्या बोलता है, कौन, देन हम। सेपियनो नेचर स्टडी, मिस पैग एंड जैक्सन जियोग्राफी, मिस डेर एंड फरमान फिजियोलॉजी, मिस डॉड हिस्ट्री, देन हम पीटी एंड गेम, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस। ठीक है, तो देन हम ऐसा क्या करता है, लिस्ट में से सबके नाम और सब्जेक्ट के नाम बताता है। फिर क्या होता है, ये चीज जिस प्रकार से देनहम ने अपनी क्लास की लड़कियों के नाम के आगे मिस लगाया, मिस पैग, मिस डेर, मिस डॉट, मिस जोसेफ, ये चीज सुन के ER ब्रेथवर्ट क्या हो गए, बहुत खुश हो गए कि अरे भाई इसने तो जज्बात ही बदल दिया, ये इतना कब से सुधर गया यार, मैं तो इसको बिगड़ा हुआ फालतू समझ रहा था, स्टेज में जाके तो भाई क्या बात है, एकदम खुश हो गए। ER ब्रेथवर्ड वॉज वेरी हैप्पी टू सी कॉन्फिडेंट कर्टसी विथ विच देन हम यूज द टर्म मिस्ड इन एड्रेसिंग ईच सीनियर गर्ल्स। कि कैसे वो सीनियर गर्ल्स को बुलाने के, उनके नाम के आगे मिस लगा के उनको पुकार रहा है। एज देयर नेम्स वेर कॉल्ड दे वॉक अप टू द स्टेज एंड टुक देयर सीट विथ कमांडेबल ग्रेविटी। जैसे जैसे सबके नाम आए वो लोग इतने रिस्पेक्ट से, इतने लहजे से, इतने अच्छे तरीके से आके बैठ रहे थे कि भाई पूछो मत। एक तरीका होता है ना, वैसे तरीके से, मस्त तरीके से, कोई बोलेगा ही नहीं कि लोग फेलियर स्टूडेंट है, कोई बोलेगा ही नहीं कि इन लोग को दूसरे स्कूल से निकाल के इधर पे लाया गया है, कोई बोलेगा ही नहीं कि ये लोग वही स्टूडेंट है जो सर के लेक्चर के टाइम में इतना हल्ला करते, बेंच बजाते हैं और क्या क्या करते, मतलब इतना बिहेवियर में चेंज आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, मिस जोसेफ आती है, देन हम चले गए, अब जोसेफ आती है, वो क्या करती है, शॉर्ट एड्रेस कर, देयर लेसन बायस टूवर्ड द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टूवर्ड्स ईच सब्जेक्ट हाउ ऑल मैनकाइंड वॉज इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन स्पाइट ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, डिफरेंस इन कलर, डिफरेंट इन रेसेस, डिफरेंस इन क्रीड। ये जो सारे के सारे लोग अभी स्टेज में आए हैं, ये सारे के सारे लोगों का प्रेजेंटेशन का थीम क्या होगा, ये मिस जोसेफ बताती है। बोलती है हमारे प्रेजेंटेशन का थीम है कि हम सब एक है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग जगह रहने के बावजूद हम सब एक है, अलग अलग कलर होने के बावजूद हम सब एक है, अलग अलग क्रीड रिलीजन कल्चर होने के बावजूद हम सब एक है, ये प्रेजेंटेशन का हमारा थीम है। चलिए जी पॉटर आइए और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। ठीक है, क्या करती है फिर, वो पॉटर को बुलाती है, देन शी कॉल्ड पॉटर, देन हम आया, जोसेफ आई, अब कौन आ रहा है, पॉटर। पॉटर ने किस पे दिया स्पीच, अरिथमेटिक। क्या स्पीच दिया, कि लो ये सब के बारे में, इसको इतना याद
मत रखो, अगर रीड कर लो बस, ठीक है? मतलब मैं इसके बारे में उसने क्या क्या बताया वो इधर पे लिखा हुआ है। फिर आता है या आती है लड़का की लड़की, पता नहीं, सेपियनो। सेपियनो किस पे स्पीच देता है? नेचर स्टडी पे, ठीक है? पॉटर चले गया, अब आता है सेपियनो नेचर स्टडी पे, क्या क्या बोलता है? स्टडी ऑफ पेस्ट, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, ब्लैक रोट ऑन व्हीट। देखो मैंने फोटो लगाई हूँ, ये ब्लैक रोट व्हीट के ऊपर जो ऐसे ब्लैक रोट लग जाते हैं ना, उसके बारे में बताता है। कॉटन के ऊपर बॉल वेविल कीड़ा जो होता है उसके बारे में बताता है। पोटैटो के ऊपर जो कोलोरेडो बीटल्स आते हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है? और क्या बोलता है, मैं फोटो लगाई हूँ, आपका काम आसान हो रहा है। देखो, ब्लैक रोट ऑन व्हीट, बॉल वेविल ऑन कॉटन, कॉर। ही शोड हाउ मेनी कंट्रीज हैड पूल नॉलेज एंड रिसर्च ऑफ नॉलेज एंड रिजल्ट ऑफ रिसर्च ऑन द बिहेवियर, ब्रीडिंग हैबिट एंड माइग्रेशन ऑफ दिस पेस्ट, वे ग्रेजुअली रेसिंग द फेट दे प्रेजेंट। क्या बोल रहे हैं कि हम सब अलग अलग देशों में रह रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड तो एक ही है, मतलब हमारे पेट में जो चीज जा रही है वो सेम ही है, तो हम सब एक ही हुए, ऐसा वो बोलता है और चले जाते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? मिस पैग आते हैं और जैक्सन आते हैं। मतलब ये सारे जब जो भी बच्चे आ रहे हैं, ये लोग अलग अलग टॉप अलग अलग सब्जेक्ट पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बट उन लोग का जो कंक्लूजन होगा एट द एंड, वो कंक्लूजन एक ही होगा कि वी ऑल ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर इन स्पाइट ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सब, ठीक है? सबका एक ही होगा। अब फिर कौन आते हैं? मिस पैग एंड जैक्सन ज्योग्राफी पे देते हैं क्या, गोल बच्चन गोल बच्चन प्रेजेंटेशन। जैक्सन क्या बोलता है? ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, मिनरल के ऊपर वो बातचीत करता है, वेजिटेबल प्रोड्यूस के ऊपर बातचीत करता है। पैक जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बात करती है कि कैसे हर कंट्री में वॉर हुई है कहीं ना कहीं, और वॉर होने के बावजूद हर एक इंसान ने क्या फेस किया है, भूख मरी फेस किया है, कपड़ों की प्रॉब्लम, घर रहने की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, तो ये सब तो सेम ही है, ठीक है? ये अपना यूनियन है जो इंटरनेशनल अपने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है? तो बोलते हैं कि कैसे यूएनओ आया है, एफर्ट और प्रोग्राम पूरी दुनिया के हर एक कंट्री के लिए वो काम करता है। यूनियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो हर एक कंट्री के लिए काम करते हैं, तो थोड़ा बताती है उसके ऊपर। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं फरमान जनाब, और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पे देते हैं अपना प्रेजेंटेशन, और हैड ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव, हैड ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव, व्हेन ही कॉल्ड ही मेड अ सिग्नल टू समवन। मतलब ट्रम्प कार्ड मतलब क्या होता है, एक प्रकार से वो एक सरप्राइज रखता है अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है? यहाँ पे ये एक प्रकार का बस फ्रेज है, एक प्रकार का फ्रेज है कि कैसे फरमान जो है ऑडियंस के लिए सरप्राइज रखते हैं, ठीक है? अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले वो स्टेज में दो लोगों को बुलाता है, दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक वेल्श नाम का होता है और एलिसन नाम का होता है। जो दो छोटे छोटे बच्चों को बुलाता है फरमान स्टेज में, वेल्श और एलिसन, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पे जनाब देने वाले हैं ये, वेल्श और एलिसन जो होते हैं वो अपने हाथ में स्केलेटन उठाए हुए लेके आ रहे हैं, बियरिंग अ स्केलेटन बिटवीन देम टुगेदर विद अ सॉर्ट ऑफ गैलोस। गैलोस क्या होता है? देखो फोटो लगाई हूँ आप लोगों के लिए, देख लो जूम करके, ये देखो इस प्रकार का, इसको ये जो यहाँ पे डंडी लगी हुई है, डंडी मतलब ये जो अपना वुडन एरिया ऐसा लगा हुआ है ना, इसको हम गैलॉस बोलते हैं, ठीक है? तो यही गैलो को उठा के विल्सन और वेल्श और एलिसन आ रहे थे, ठीक है? फरमान ने बोला लेके आओ, बीच में क्या लटक रहा है, बीच में स्केलेटन लटक रहा है। व्हेन दिस अरेंजमेंट हैज बीन सेटअप, देयर वॉज द स्केलेटन हैंगिंग फ्रॉम द हुक, ठीक है? स्केलेटन लटक रहा है भाई साहब, स्टेज पे स्केलेटन को लेके आ गया है, लड़कियां तो चिल्ला पुकार रही होगी, बचाओ बचाओ। स्क्रूड इन टू द टॉप ऑफ इट्स स्कल, जेंटली रिवॉल्विंग एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड। अब क्या होता है, हुक पे कोई भी चीज जब लटकती है तो ऐसा गोल 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 घूमने लग जाती है ऑटोमेटिक, तो वहां का जो सिनेरियो था एक प्रकार से थोड़ा सा डरावना हो गया था कि स्केलेटन स्टेज पे लाया गया है, वो स्केलेटन ऑटोमेटिकली गोल गोल घूम रहा है, तो वो सिचुएशन डरावनी हुई, और वो डरावनी सिचुएशन की वजह से लोगों की हंसी निकल गई, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो वही हुआ। स्कूल लाफ ऑन दिस स्टेज, जब स्केलेटन स्टेज पे आया तो लोग हंसने लगे डर से। जैसे ही लोगों की हंसी गायब हुई यानी खत्म हुई, फरमान क्या हुआ, बोलने लगा। फरमान क्या हुआ, अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए शुरू हो गया। His voice was clear, calmly told it was a female,
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्रामेटिक टोन। क्या बोला इसने, क्या बोल रहे इधर पे, कि फरमान जो था एकदम कॉन्फिडेंट था, प्रेजेंटेशन निकलने उसकी आवाज एकदम क्लियर, कोई भी डर नहीं, एकदम ड्रामेटिक टोन में बात कर रहा है। ड्रामेटिक टोन मतलब जहां पे एकदम जोर से बोलना है वहां पे जोर से, यहाँ पे शांत में बोलना है वहां पे शांत में। और बोलता है कि स्केलेटन फीमेल का है, कामली टोल्ड इट वॉज अ फीमेल, बोलते हैं एक फीमेल का स्केलेटन है, ठीक है, बट फीमेल तो है, बट उसके अलावा क्या, ही कुड नॉट से विद एनी अश्योरेंस वेदर शी हैड बीन। क्या बोलता है, ये एक फीमेल का स्केलेटन है, बट जेंडर के अलावा क्या आप बता सकते हो कुछ और चीज, कि ये जो स्केलेटन है ये कौन से कंट्री में रहती थी, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, ब्राउन थी, व्हाइट थी, या मिक्सचर ऑफ बोथ थी, यानी सावली क्या थी, कोई बता सकता है? तो इसका आंसर कोई नहीं बता पाता, कोई नहीं बता पाता। तो क्या कंक्लूड करता है, मैंने क्या बोली थी, सबका कंक्लूजन सेम होगा, ये भी क्या कंक्लूजन देता है, ऑल पीपल वेर सेम, ट्रीमिंग माइट बी डिफरेंट, फाउंडेशन रिमेन सेम, सबकी ट्रीमिंग अलग है, मतलब वही जिंदगी जीने का तरीका अलग है, बट एट दी एंड जो अपना अंदर फाउंडेशन है, हम सब इंसान ही है और सेम ही है, ठीक है। जो भी चीज हमने अभी तक पढ़े वो सब कुछ इधर पे लिखा हुआ है, ER ब्रेथवर्ड की क्लास का प्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ER ब्रेथवर्ड की क्लास सबसे पहले आती है, सबसे पहले आता है डेनहम, फिर जोसेफ, पॉटर, उसके बाद एक एक करके सब लोग आते हैं, फिर आता है फरमान, स्केलेटन वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। फरमान चले जाता है, फरमान के बाद कौन आता है, फरमान के बाद आती है मिस डेयर, ये भी फिजियोलॉजी पे ही देती है। क्या बोलती है, प्रॉब्लम विच ऑल ह्यूमैनिटी हैज टू फेस इन टर्म ऑफ सिकनेस एंड डिजीज एंड द एडवांटेज गेन बाय इंटरचेंज ऑफ नॉलेज सर्विस एंड एडवाइस। क्या बोलती है, कोई इंसान काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, यार बीमार तो सब होते हैं ना, डिजीज तो सबको होती है, ऐसा तो बीमारी थोड़ी ऐसी थी, कोरोना वायरस ऐसा थोड़ी था कि तू भाई क्रिश्चियन है तो हम मैं तेको नहीं लगूंगा, तू काला है तो मैं तेको नहीं लगूंगा, तू चाइना में रहता है तो मैं तेको, अरे यार चाइना वहीं से तो आया, चाइना का नाम ही मतलब, तू जापान में रहता है तो मैं कोरोना वायरस तेको नहीं आऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने यही बताई कि सिकनेस डिजीज सबको होती है, इट मीन्स वी ऑल ह्यूमन आर सेम एंड वी ऑल आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है पूरी दुनिया उसका फायदा उठा रही है ना। फिजियोलॉजी समझ में आ रहा है मैम, मेरी कल ही इंग्लिश की टेस्ट हुई एंड मैंने कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा बट ये नोट्स करके गया था, इट हेल्प मी अलॉट, योर नोट्स आर फैबुलस, थैंक यू वेरी, वाओ ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपको काम आया ये चीज, इसी प्रकार से आपको सारी नॉवल के नोट्स ऐसी बन के मिल जाएगा, ठीक है, फॉलो करना है बस, सिंपल सी बात है, फ्री में तो अपलोड हो ही रहा है सब। मिस डेयर चले जाती है, उसके बाद कौन आता है, आती है, आती है मिस डॉड, कौन से सब्जेक्ट पे देती है प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री पे, रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, रिफॉर्मेशन मतलब बदलाव, क्या रिफॉर्मेशन, टोल्ड इन स्ट्रगल ऑफ मैन इंडिपेंडेंट स्पिरिट अगेंस्ट क्लेरिकल डोमिनेशन, देयर एफर्ट टू ब्रेक फ्रॉम एस्टेब्लिश रिलीजियस ट्रेडिशन। देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि हद से ज्यादा ना रिलीजन का वो था, कि मैं अगर क्रिश्चियन हूं तो लोग ना सामने वाले को भी क्रिश्चियन बनाने के लिए मजबूर हो करते थे, अगर सामने वाला कोई दूसरा रिलीजन का है, मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं ना उसको फोर्स करूंगी कि मतलब उतनी क्रिश्चियनिटी की इतनी तारीफ करूंगी, या कोई भी रिलीजन की मैं बहुत इतनी तारीफ करूंगी कि वो इसको मैं फोर्स करूंगी कि भाई तू भी कन्वर्ट हो जा, है ना। तो इंग्लैंड में भी ऐसे ही चल रहा था कि लोग जो है मिशनरीज, आपको पता है ना, पढ़े होगे आपने हिस्ट्री में, मिशनरी बन बन के दूसरे देशों में जाते थे लोग। मिशनरीज कौन होते हैं, वो होते हैं जो अपने रिलीजन को फैलाने के लिए दूसरे देश में निकल जाते हैं। अपने इंडिया में कितने सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आए जो इंडिया के लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करके निकल लिए ऐसा होता है, मतलब कोई भी रिलीजन हो उन लोग का क्या होता है मेन मकसद कि अपने रिलीजन को प्रमोट करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर जब चीज फोर्स करने लगे तो थोड़ा सा ओवर हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं है, बट हाँ तो इंग्लैंड में ऐसा चीजें चल रही थी, तो वहां पे क्या लाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बदलाव लाया कि अभी कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा, तो इसके ऊपर वो दे रही थी कि ऐसा तो सारे कंट्री में हुआ है। फिर उसके बाद आता है देनहम, डॉट के बाद कौन आई, आया
ये लड़का है। देन हम आया, इसका क्या सब्जेक्ट था? पीटी और गेम्स। क्या कर रहा था ये? हमने देखा ये भिड़ गया था। रिपोर्ट वॉज अ बिट ऑफ अ शॉक। देन हमने जो रिपोर्ट दिया वो सबको शॉक कर दिया, बिकॉज इसने रिपोर्ट नहीं दिया भाई, टीचर से आर्ग्यूमेंट करने लग गया। क्या आर्ग्यूमेंट करने लग गया? आर्ग्यूमेंट इन द सेंस क्रिटिसाइज करने लग गया सब्जेक्ट को। ही सीवियरली क्रिटिसाइज यानी कंप्लेन करने लग गया। किसके बारे में? पीटी सब्जेक्ट्स के बारे में। एम्फसाइजिंग लिमिटेशन ऑफ सीरियस ऑब्टेनिंग एन इफेक्ट ऑफ दैट लिमिटेशन ऑन देयर गेम एक्टिविटीज। बोलते आप लोग पीटी सब्जेक्ट रख रहे हो, उसकी वजह से हम गेम्स हमारा गेम खेलने का नुकसान हो रहा है, इससे अच्छा आप गेम सब्जेक्ट रखो ना यार, कोई फुटबॉल रखो तो मजा है। और क्या कंप्लेन करता है? ही कंप्लेन पीटी। पीटी को क्या बोलता है वो? पीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इल कंसीव्ड है, पॉइंटलेस है, जैसा कोई मतलब नहीं है, फालतू सब्जेक्ट है, मोनोटोनस है। जब भी आओ पीटी सब्जेक्ट में एक ही चीज हो रही है, 1 2 3 1 2 3, इससे करके कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। इसके बदले में आप क्या करो, एक जॉली गुड गेम को लाओ, पीटी को हटाओ और फुटबॉल कबड्डी लाओ भाई, मेरे को ये चाहिए। ठीक है, अब जब ऐसा होगा बाकी सारे जो बच्चे हो गए उनके दिल की बात, डेनहम जाके बोल रहा है ना, सबके दिल में यही चलता है कि हमको गेम खेला है, तो बाकी सारे बच्चे जो होते हैं उसको चीयर करने लगते हैं, है ना। हाँ भाई डेनहम आगे बढ़, हम तेरे साथ है, और बोलते रहे है ना। ही वॉज वॉइसिंग द ओपिनियन ऑफ ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज थे उन सबको ओपिनियन जाके उस स्टेज में बोल रहा है कि पीटी हटाओ गेम लाओ, पीटी हटाओ गेम लाओ। ठीक है, फॉर दे चीयर्ड हिम लाउडली। पीछे देखो फोटो लगाई हूँ, सब ऐसा उसको चीयर्ड कर रहे थे, ये और बोल और बोल, सही बोल रहा है, सही जा रहा है। अब क्या होता है? रिपोर्ट एंड हो गई, चलो खत्म, रिपोर्ट खत्म। देन हमने पीटी के ऊपर कंप्लेन किया और इसी के साथ अपना क्या हो गया, ब्रेथवर्ड क्लास का भी प्रेजेंटेशन खत्म हो। ब्रेथवर्ड क्लास सबसे सीनियर थी, यानी प्रेजेंटेशन का पूरी सिलसिला खत्म हो चुका है। अब हमने क्या देखे थे, पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा, उसके एंड में टीचर के पैनल आएंगे, हमने देखे थे ना, अब वो सिलसिला स्टार्ट होगा। जैसे ही रिपोर्ट का सिलसिला खत्म हुआ, प्रेजेंटेशन का सिलसिला खत्म हुआ, देन हमने दो बच्चों को ऑडियंस से बुलाया और उन लोग को बोला कि सारे टीचर्स के नाम एक एक चिट्ठी पे लिख, इंक्लूडिंग द हेड मास्टर ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, प्रिंसिपल को मिला के हर एक चिट्ठी, ऐसा हम खेलते हैं ना 16 चिट्ठी 4 चिट्ठी, तो एक एक चिट्ठी पे हर एक टीचर का नाम, एक एक चिट्ठी पे सबका, सब टीचर का नाम और प्रिंसिपल का नाम उसने लिखने बोला दो बच्चों को। वो सारी चिट्ठी क्या कर दिए लोग, फोल्ड करे और एक हैट में डाल दिए। द स्लिप्स वेर फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ हैट। स्लिप को फोल्ड करे, हैट में डाले, हैट को हिलाए और क्या करे, एक एक करके चिट्ठी को निकाले। कितनी चिट्ठी निकाले? 3 चिट्ठी। ऐसा मान लो 30 चिट्ठी थी, 30 टीचर लोग का स्लिप वो लोग ने डाले थे, तो 3 ही टीचर लोग का जो सबसे पहले नाम आएगा, वो 3 टीचर का ग्रुप बना के स्टेज में पैनल बिठाया जाएगा और वो 3 टीचर से कोई भी बच्चा कुछ भी सवाल पूछ सकता है, वो टीचर को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब चिट्ठी निकालते हैं हेड से, तो सबसे पहली चिट्ठी जो खुलती है उसमें किसका नाम आता है? उसमें सबसे पहली चिट्ठी में नाम आता है मिस फिलिप्स। ठीक है, याद रखना, टीचर नंबर 1। सेकेंड चिट्ठी जब खोलते हैं तो उसमें दूसरा नाम कौन आता है? मिस्टर वेस्टन, टीचर नंबर 2। और तीसरी चिट्ठी जब खोलते हैं तो किसका नाम आता है? मिसेस डेल युआन, टीचर नंबर 3। यानी ये 3 टीचर जो है पैनल बन के स्टेज में बैठने वाले हैं। ठीक है, डेनहम और जोसेफ जो स्टेज में बैठे हुए थे वो स्टेज से उतर जाते हैं, ओके, और ये 3 टीचर स्टेज में आके बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। 3 टीचर कौन है? फिलिप्स, वेस्टन और डेलीवान। टीचर हैज नो ब्रीफिंग एंड वेर कॉट आउट स्टैमरिंग इन द इन डिसीजन। टीचर लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े से डर गए थे और उनके स्टैमर हो रहे थे, मतलब होता है ना, पता लग जाता है कि टीचर थोड़ा डर रहा है। ब्रेथवर्ड रिसीव्ड बिग सरप्राइज हियर। ब्रेथवर्ड को एक सरप्राइज मिलता है, क्या सरप्राइज मिलता है बताते हैं।
फ्रीली सिमली सिम सिमिंगली सिमिंगली, ये कैसा वर्ड है? अच्छा एन आएगा इधर पे, मैं बोलिए कैसा वर्ड है? ब्रेनलेस मिस फिलिप्स प्रूफ टू बी द कूलेस्ट एंड बेस्ट इन्फॉर्मर ऑफ द थ्री. अच्छा ये बस ऐसे समरी दे रहा है अपने, जो फिलिप्स है ना फिलिप्स, ये बच्चों के ऐसे आंसर देती है ना कि सब बच्चों का बोलती बंद कर देती है. ठीक है, सब बच्चों की बोलती बंद कर देती है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा. और मिस्टर वेस्टन जो होते हैं ना, बहुत ही वैसे होते हैं कि कोई भी बच्चा सवाल पूछ रहा है तो उसका सवाल को कट करके चुप बिठा रहे है ना. कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके सवाल का उनके पास जवाब नहीं होता है तो आपको चुप बिठा देते हैं. तो मिस्टर वेस्टन ऐसा कर रहे थे, बच्चों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, उनको चुप बिठा रहे थे. और जो फिलिप्स थी वो बड़ी चालाक निकली, वो ऐसे ऐसे जवाब दे रही थी कि बच्चों की बोलती बंद कर रही थी. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. ट्राई टू ब्लस्टर हिज वे आउट विद अ शो ऑफ ऑफेंडेड डिग्निटी. ठीक है, और बार बार वेस्टर्न ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि उनकी रिस्पेक्ट पे क्या हो रहा है, उनको ऑफेंड हो रहा है, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि टीचर हूं तो मुझे रिस्पेक्ट दो, ऐसे फालतू सवाल मत पूछो मुझसे. ठीक है, ही कुड नॉट इफेक्टिवली सपोर्ट द पीटी एक्सरसाइजेस फॉर विच ही वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल एज नॉट हैविंग अ फिजिकल एक्टिविटी. क्या होता है? डेनहम जो है, डेनहम जो है ये सवाल पूछने के लिए आ जाता है इन लोग से पीटी के ऊपर. तो ये जो सर होते हैं ये खुद फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो ये क्या ही क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे है ना डेनहम को. तो देखो क्या होता है, डेनहम, डेनहम कौन है? डेनहम वॉज अ ट्रेन्ड बॉक्सर. मतलब वो स्टूडेंट तो है ही, हम कब से सुन रहे हैं ना डेनहम डेनहम, वो ट्रेन बॉक्सर भी है. मतलब उसने बॉक्सिंग का भी मस्त कोर्स कर रखा है, इसलिए उसको पता है कि बेनिफिट अपने को कौन सी एक्सरसाइज में मिलेगा, पीटी करने से मिलेगा या उससे बेहतर है कोई गेम ही खेल लो, भाग दौड़ कर लो है ना. इंसिस्टेड देन हम क्या फोर्स करता है, दैट दिस एक्सरसाइज ओनली एडवांटेजेस इफ प्रैक्टिस डेली और फॉर सस्टेन पीरियड. क्या बोलता है कि पीटी जो है तभी एडवांटेज होता है अगर हम इसको डेली करें. आप जो है हफ्ते में एक दिन पीटी रखते हो और बोलते हो कि हमारे बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है. पीटी जो है डेली रखो या तो फिर गेम लाओ. पीटी ट्वाइस वीकली फॉर 20 मिनट्स वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, 20 मिनट के लिए हफ्ते में आप रख रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है. ये क्या करता है, सर सवाल कर बोलता है. और क्या बोलता है देखो, जब डेनहम ऐसा बोलता है, सुनो गौर से, डेनहम ने टीचर के पैनल को, टीचर के पैनल में कौन कौन बैठा है, फिलिप्स डेलीवान और वेस्टर्न सर. डेनहम जो है वो बोलता है पीटी सब्जेक्ट हटाओ यार, गेम डालो. पीटी आप हफ्ते में एक बार रख रहे हो 20 मिनट के लिए, से कुछ फायदा नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये फिलिप्स देती है. क्या बोलती है, एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पीटी एंड गेम्स हैड बीन केयरफुली कंसिडर्ड एंड फिटेड इनटू टीचिंग टाइम टेबल्स सो डेट ईच स्टूडेंट रिसीव बेनिफिट फ्रॉम इट. क्या बोलती है, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ता है. अगर हम पीटी हर हफ्ता रखेंगे तो बाकी सब्जेक्ट आप कब पढ़ोगे बेटा. द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फैसिलिटी मस्ट बी कंसिडर इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. स्कूल की फैसिलिटी को भी देखो, हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटी है, हम कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, हम कोई इतनी बड़ी स्कूल नहीं है कि आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटी गेम सब रखेंगे. इट वुड बी बियॉन्ड एनी वंस पावर टू प्लीज एवरी वन. और हाँ ये बात भी है कि हम कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी बड़ी स्कूल बना ले, हम हर एक बच्चे को खुश तो कर नहीं पाएंगे. कुछ कोई ना कोई बच्चे को तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ही है ना. ये ऐसे आंसर देती है. ठीक है, और क्या बोलती है, सम ऑफ यू आर फॉर्चुनेट इन योर ओन फाइन फिजिकल डेवलपमेंट एंड डू नॉट रियली नीड द फ्यू मेजर हेल्पिंग पीटी गेम्स विच दिस स्कूल कैन ऑफर. और बोलती है, और तुम में से कितने स्टूडेंट्स लोगों को तो फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग तो खुद ही इतने फिट हो है ना, तुम लोग खुद ही इतने फिट हो. मतलब ऐसा बात पलट रही है कहीं ना कहीं कि वो, मतलब वो ये कह रहे हैं तुम फिट हो, यहाँ पे स्कूल में आके फिजिकल एक्टिविटी क्या करोगे है ना, ताकि इसकी बोलती बंद हो जाए देनहम की, क्योंकि देनहम ट्रेन बॉक्सर है, अच्छा खासा फिट है. तो वो बताती है कि तुम तो ऑलरेडी फिट हो, तो समझ रहे हो तुमको क्या ही जरूरत है फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में आके करने की. तो ऐसा फिलिप्स आंसर देती है. और क्या बोलती है, ट्राई टू रिमेम्बर डेट देर आर अदर्स फॉर हुम आर प्रोग्राम इज आइडली सॉर्टेड. और हाँ एक चीज याद रखो, बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज है हम जो कर रहे हैं,
ओके, इट मे बी सम ऑफ यू ओल्डर बॉयज माइट इवन बी एबल टू हेल्प इन दैट रिस्पेक्ट. और जो तुम ओल्डर बॉयज हो, यानी सीनियर क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट है, और उसमें तो तुम लोग तो हेल्प करोगे नहीं. हम जो दूसरी चीजें इतने कर रहे हैं, पीटी में, इसमें, उसमें, हम लोग तो खुद ही कर रहे हैं, तो क्या तुम ओल्डर लोग हमारी हेल्प करोगे? ऐसा मतलब बात करती है, कहीं ना कहीं थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं ना, छुरी चलाना, वैसा इस चला रही थी. देन हम क्या रिप्लाई करते हैं, देन वाई डू वी हैव टू डू पीटी, वाई डोंट दे टेक ओनली द किड्स हु नीड इट. बोलते हैं कि अच्छा, आपको पीटी अगर करना है, अगर आप चाहती हो कि सबका फायदा हो, तो पीटी जो है तो छोटे छोटे बच्चों के लिए रखो, हम बड़ों बच्चे के लिए गेम लाओ, हम बड़े बच्चों के लिए गेम लाओ, पीटी रखना है ना बच्चों के लिए रखो. द रेस्ट ऑफ अस कैन हैव अ गेम ऑफ फुटबॉल और समथिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ डाफ थिंग दैट्स नो गुड टू अस. बोलते हैं कि हम जो बड़े बच्चे हैं, हमारे लिए फुटबॉल रखो, हमको ये पीटी वीटी नहीं करना, ठीक है? तो वो क्या बोलती है, ओ ओके, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. फिलिप्स जो है बोलती है, हर बेबी ब्लू आईज ट्विंकलिंग इन अ डिलाइट एज दिस क्रॉसिंग ऑफ स्टाफ. मतलब एकदम उसका, अभी उसने ऐसा सवाल पूछ लिया ना, मतलब मस्त उसने सॉल्यूशन दे दिया कि पीटी रखो बच्चों के लिए, हम बड़ों बच्चों के लिए गेम रखो. तो बोलती है अच्छा ओके, बड़ा मुश्किल सवाल पूछे हो. और एकदम मासूम सा चेहरा बनाती है और क्या आंसर देती है, देखो. लेट्स से इट इज एज मच एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज मच एज द एक्सरसाइज ऑफ बॉडी. द होल टाइम टेबल इन दिस स्कूल इज मेंट टू हेल्प यू इन द वर्ल्ड आफ्टर यू लीव. ओ माई गॉड, क्या आंसर दिए भाई साहब. बोल रही है कि बेटा, फिजिकल एक्टिविटी जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी माइंड की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. जितना फिजिकली स्ट्रांग हम इंपॉर्टेंट समझते, उतना माइंड का स्ट्रांग होना भी इंपॉर्टेंट है. और अभी तुमको जो चीज चाहिए वो चीज तुमको नहीं मिल रही है, तो वो चीज को तुम कैसे सहोगे? उससे तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होता है, और वही चीज हम तुमको सिखा रहे हैं, और ये चीज तुमको आगे जिंदगी में काम आएगी. जब तुम बाहर जाओगे ना, ये स्कूल से निकलोगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज होगी जो तुम चाहते होगे बट तुमको नहीं मिलेगी, तो वहां पे तुमको ये सिचुएशन काम आएगी, और उसी के लिए हम तुमको प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा. भाई साहब, ऐसा आंसर दिया ना कि कोई बोल ही नहीं पाएगा इसको, कोई चुप ही नहीं करा पाएगा, बोलती बंद हो जाएगी बच्चे की. एंड डूइंग वॉट आर टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. जो चीज तुमको नहीं पसंद है, और उसके बावजूद तुमको करना पड़ता है, ये चीज तुमको मजबूत बनाती है बेटा. तुमको पीटी नहीं करना है बट हम तुमको पीटी कराएंगे, तुमको पीटी करना नहीं पसंद है बट हम तुमको पीटी कराएंगे. ये चीज आपको आगे जिंदगी में काम आएगी, क्योंकि आगे जिंदगी में आपको ऐसी कुछ चीजें करनी पड़ेगी जो आपको करना पसंद नहीं है, तो हमारा ये सिचुएशन से तुम सीख जाओगे आगे उसको इम्प्लीमेंट करना. समझे मेरी बात बेटा? आई फील श्योर डेट यू विल सी द पॉइंट इन डेट. और अब तक मुझे लगता है कि तुम ये पॉइंट समझ चुके होगे कि हम पीटी सब्जेक्ट को क्यों नहीं हटाएंगे, और तुमको पीटी ही करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे जो है बेचारा देनहम चुप हो जाता है. बोलता है भाई साहब, इसने मेरी बोलती बंद कर दी, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता. हाँ, चुप ही बिठा दी इसने मेरे को. यहाँ पे देनहम चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता. पुअर देन हम न्यू डेट ही हैड बीन आउटविटेड बट ही कुड डू नथिंग अबाउट इट एंड सैट लुकिंग रेदर वाइल फिलिप स्माइल ब्रॉडन. अरे भाई साहब, देन हम जो है इधर पे पूरा हार महसूस कर लेता है, और बोलता है अब मैं इसके आगे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसे आंसर दे रही है कि मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगी. और थोड़ा सा सैड लगता है, थोड़ा सा रिग्रेट रखता है. और उसी के विपरीत जो फिलिप्स होती है वो हंस रही होती है. मतलब उसने ऐसा खतरनाक आंसर दिए कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता, तो हंस रही होती है, ठीक है? अब ये सिचुएशन ईआर ब्रेथवर्ट देख रहे होते हैं, ये सिचुएशन जो है ईआर ब्रेथवर्ट देख रहे होते हैं, तो ईआर ब्रेथवर्ट क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अरे भाई, फिलिप्स ने ऐसा खतरनाक आंसर दिए कि बेचारे देनहम की बोलती बंद कर दी. ये सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा था कि एक बिल्ली जो होती है वो एक चूजे को पूरा खा जाती है उसके पंख के साथ. कोई कोई बिल्ली जो होती है ना, चूजा खाती है ना, चूजा तो गोश वोश तो खा ही लेती है वो चूजे का, साथ में पंख, हाथ, पैर, नाक, आंख सब खा लेती है चूजे का. तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, बोलते कि ये फिलिप्स ने देनहम के साथ ऐसी करी, एक सवाल का नहीं छोड़ी उसको, पूरा उसके बोलती बंद कर दी उसने. ब्रेथवर्ट बिगेन टू अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज सो स्लाइट कॉप इफेक्ट. बोलती है क्या, अच्छा भाई, मानना पड़ेगा कि ये फिलिप्स जो है अपनी क्लास को कैसे हैंडल करती होगी, इधर पे स्टेज पे आके इतना बोली इसने. सून आफ्टर दिस एज द मॉर्निंग एंडेड, ठीक है, प्रेजेंटेशन का सिलसिला खत्म हो गया, समझ गया? देन हमने
ऐसा किया, उसने ऐसा आंसर दी, प्रेजेंटेशन खत्म, ग्रीन स्लेट स्कूल का 15 नवंबर का सेशन खत्म हो चुका है। हेडमास्टर फिर से स्टेज पे जाते हैं, क्लोजिंग को बंद कर प्रोसीडिंग यानी प्रोग्राम को क्लोज का जो होता है ना एंडिंग स्पीच देते हैं और बताते हैं कि कैसे सारे बच्चों ने कितना अच्छा सा प्रेजेंटेशन दिया, उन सबकी तारीफ करते हैं और सबकी मेहनत को जो जितने भी लोगों की मेहनत लगी है सबको अप्रिशिएट करते हैं। और फिर क्या होते हैं जो भी मैंने समझाई वो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो एक बार रीड कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, आप बोलिए अरे यार ये तो वही सब चीज़ है जो हमने पढ़े नोट्स में, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है लास्ट पैराग्राफ, यहाँ नहीं बस हो गया खत्म, हाँ खत्म हो गया यार, बस इतना ही था। तो यहाँ पे एंडिंग बस यही हुई कि अपने प्रिंसिपल जो स्टेज में आए, एंडिंग स्पीच दिए और अपना सेशन एंड हो गया खत्म। तो एकदम शॉर्ट में अगर हम देखें कि इसमें था क्या, तो उसमें बस ये था कि ईआर ब्रेथवर्ड ग्रीन स्लेट स्कूल में पढ़ाए तो वहां के बच्चे बहुत मस्तीखोर थे, लेकिन ईआर ब्रेथवर्ड की टीचिंग स्किल उन्होंने चेंज की, उन्होंने अपना रिस्पेक्ट स्टूडेंट लोग को दिए, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली थी उसके बावजूद तो स्टूडेंट लोग का बिहेवियर चेंज हो गया। और कैसे प्रिजुडाइज क्या क्या फेस करे ईआर ब्रेथवर्ड ने लंदन में रह के जस्ट बिकॉज ऑफ इस कलर, उसके अलावा कैसे ईआर ब्रेथवर्ड की क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन दिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे दिए, फरमान का वो याद रखना, देन हम का पीटी और गेम का आर्गुमेंट याद रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ बीच बीच में हुई अगर आप उसको याद नहीं भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अपना आज का सेशन एंड होता है और आई होप आपको जो है इस नॉवल अच्छे ये नॉवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस नॉवल का जो नोट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगी बहुत जल्द, ओके। ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो भी आंसर है मैं इधर पे लगा रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ और ये जो अपना सेशन है इसका एक एक करके वीडियो आगे बढ़ाती हूँ ताकि आप लोग देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोला गया है, ये चारों में से टीचर कौन है बताओ, ये चारों में से टीचर कौन है, देन हम टीचर है सेफियानो, डेल इवान या मिस जोसेफ, हु इज टीचर। यस यस ऑफ कोर्स मुस्कान, मैं जो है नोट्स के एंडिंग में सारे के सारे क्वेश्चंस डालूंगी जो इस नॉवेल से रिलेटेड आएंगे। ओके, हु इज टीचर, देन हम तो स्टूडेंट है, सेपियनो स्टूडेंट है, जोसेफ भी तो स्टूडेंट है, डेल इवान टीचर है। ठीक है, तो यस का आंसर है। अभी यहाँ पे क्या बोला है आपके सामने, कैरेक्टर है देन हम फिलिप्स और फरमान का, अपने को इन लोग के थोड़े से ना क्वालिटीज बतानी है कि हमने इन लोगों के बारे में पढ़े तो इन लोग को पढ़ने के बारे में अपने को उनकी पर्सनालिटी कैसी लग रही है, कि देन हम जो है वो कैसा लगा अपने को, बड़ा ही कॉन्फिडेंट लगा, कुछ भी लिख सकते हो आप उसके कैरेक्टर के रिलेटेड, कि जो एक टीचर लोग से ऐसे सवाल पूछ सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, तो हम बोल सकते कि देन हम एक कॉन्फिडेंट इंसान है, हाँ भाई है। गुड डिबेट, गुड डिबेट लिख सकते हो, मतलब डिबेटेबल है, उसने डिबेट किया भले ही थोड़ा किया बट हाँ किया। ट्रेन बॉक्सर, ट्रेंड बॉक्सर पढ़े थे। मिस फिलिप्स क्या निकली, बड़ी ही चतुर निकली, ठीक है, इंटेलिजेंट, उसने कैसे डेनहम की बोलती बंद करी, इंटेलिजेंट और कनिंग और हाँ बॉक्सर, फियरलेस भी लिख सकते हो। ठीक है, टू द पॉइंट टू द पॉइंट आंसर, इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी आ रहा है लिख देना बट रिलेटेड होना चाहिए। फरमान का क्या लिखेंगे, उसका भी कॉन्फिडेंट और जो भी हमने पढ़े थे वो लिख देना। ठीक है, निमन से, द नरेटर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टूडेंट, नरेटर यानी ईआर ब्रेथवर्ड ने स्टूडेंट की जिंदगी बिहेवियर चेंज करे तो कैसे चेंज करे उसके बारे में आपको लिखना है। वही क्या, तीन प्रकार के चेंजेस मैंने बताई आपको डायग्राम में, टीचिंग स्टाइल चेंज करे और बिहेवियर चेंज करे
और स्टूडेंट लोग को रिस्पेक्ट से बुलाने लगे। टीचिंग में क्या क्या चेंज लाए, म्यूजियम, एक्सकर्शन, फील्ड ट्रिप प्लान निकाले। बिहेवियर में क्या करे, रिस्पेक्ट से बात करने लगे। और इधर पे स्टूडेंट लोग को मिस नाम से, मिस्टर नाम से बुलाने लगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, फरमान ब्रॉट अ कॉमिक रिलीफ इन स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम। स्टूडेंट काउंसिल प्रोग्राम वही है, प्रेजेंटेशन जो हॉल में चल रहा था। तो फरमान ने क्या किया, कॉमिक रिलीफ लाया। कॉमिक रिलीफ हमने देखे थे कि वो जो स्केलेटन था वो जब गोल गोल घूम रहा था तो लोग हंसने लग गए थे थोड़ा सा। मतलब ऐसा होता है ना कि स्केलेटन है भाई पूरी स्टेज में, तो डर से हंसने लग गए थे। तो वही आपको बोलना है कि वेल्श और एलिसन स्टेज में स्केलेटन को लेके आए थे गैलोस के साथ। तो जो है वो राउंड राउंड घूम रहा था, जिसकी वजह से जो है वहाँ का एटमोसफियर थोड़ा सा सीरियस हो गया और अचानक से सब शांत हो गए। तो शांत होने की वजह से लोगों की हंसी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी निकल गई। ठीक है, ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आंसर है ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का है, कॉमिक रिलीफ फरमान वाला, फरमान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, हमने बताई थी कैरेक्टर के ऊपर। तो डेनहम, जोसेफ, नैरेटर, डेयर और फिलिप्स, इसका कैरेक्टर स्केच देना है। कैरेक्टर स्केच मतलब आपने कैरेक्टर के बारे में जो कुछ भी पढ़े इस नॉवल में सब कुछ उठा के लिख दो। कि डेनहम जो है वो स्टेज में बैठा हुआ था, ये पॉइंट लिखोगे। ट्रेन बॉक्सर है, इसके बारे में भी लिखोगे। प्लस उसने पीटी और गेम से रिलेटेड कैसे आर्ग्यूमेंट और डिबेट किया, वो भी लिखोगे। ठीक है, जोसेफ के बारे में, नैरेटर या ब्रेथवर्ट के बारे में, जो भी आपने पढ़े वो लिख देना। इसका आंसर इधर पे देख लो। डेनहम ये नैरेटर का हो गया, ये डेयर का हो गया, ये फिलिप्स का हो गया। ओके, ये कंपेयर द फॉलोइंग कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को आपको कंपेयर करने के लिए बोला गया है। तो देख लो आंसर है ये, आंसर नंबर 1, 2, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। इस ये आपके सामने कुछ सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज, अभी करे, ये अरेंज में बहुत टाइम लग जाता है, अच्छे से सोचना पड़ता है ना। चलो कर ही लेते यार अरेंज। पहले क्या आएगा बताओ, स्टूडेंट काउंसिल वॉज हेल्ड एवरी ईयर, देन हम कॉल्ड फरमान। ऑफ कोर्स पहले तो जी आएगा। ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल 15 नवंबर, फिर उसके बाद क्या हुआ, देन हम आउट ट्वीटेड हेड मास्टर स्कूल क्लोज लिव पे फॉर। उसके बाद एफ आएगा, बी तो लास्ट में होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हेड मास्टर ने खत्म किया, बी लास्ट में। देन हम वॉज आउटविटेड सेकेंड लास्ट, सी। डी ई, ये इसका आंसर है। क्या आंसर है, जी एफ ई डी सी ए बी, इस ऑर्डर में अपना सिचुएशन घटा है। ठीक है, द इवेंट इन द एक्सट्रैक्ट वॉज हेल्ड एट द, किधर हुआ था भाई, ऑथर के घर में हुआ था, ऑडिटोरियम में हुआ था, मार्केट गार्डन में, इतना इजी है ये तो। प्रेजेंटेशन किधर चल रहा था भाई, ऑडिटोरियम में चल रहा था, हॉल में चल रहा था, गार्डन हमने पढ़े नहीं। आंसर्स लगा दी हूँ वैसे मैंने इधर पे थोड़ा सा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास आंसर आंसर नहीं है तो। ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन से अपने, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके लिख लो यार। एट द एंड आपको स्टोरी नहीं लिख के आनी है, आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के आने हैं। पूरी पूरी स्टोरी आपको लिखने नहीं बोलेगा,
जो आप लिख लोगे, करेक्टर स्केच पूछ लिया तो क्या करके आओगे? इसलिए सारे क्वेश्चंस को लिख लो और अंडरस्टैंड अभी से कर लो कि कैसे कैसे आंसर में लिख कर आऊंगा, ठीक है? चलिए जी, इसी के साथ अपना आज का सेशन एंड होता है, और आज मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रही हूँ, बिकॉज उसमें ही सपना हो गया, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, इससे तो पूछ के मतलब भी नहीं है, थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अभी कल क्या होने वाला है दोस्तों, बता दीजिए। कल अपना है संडे, और संडे को अपना क्या होता है? मेंटी। इस वीक हमने क्या कंप्लीट किए? इस वीक हमने आपकी नॉवल नंबर 1 एंड नॉवल नंबर 2 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए, राइट? तो कल अपना क्या होने वाला है, रात 9 बजे होगा मेंटी वॉर, और आपको नॉवल नंबर 1 और नॉवल नंबर 2 से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो रेडी रहना, देखेंगे कौन से बच्चों का नॉवल 1 और नॉवल 2 क्लियर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे पीवाईक्यू पीवाईक्यू, तो टेंशन मत लो ना यार, इस नोट्स जब मैं आपको शेयर करूंगी तो इस नोट्स के एंड में मैं सारे क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन सब लगा के दे दूंगी। तो नोट्स को डाउनलोड करना और उसी नोट्स को अच्छे से पढ़ते रहना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे कल रात 9 बजे नॉवल नंबर 2 एंड नॉवल नंबर 1 एंड 2 पे मेंटी क्विज करेंगे। तो रेडी रहना, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, नोट्स निकाल लो यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना मैंने जो नोट्स बना के भेजी हूँ उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे भेजे, प्रिंट निकाल के भेजे, तो रियली प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहो, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम के 2 दिन पहले आप पे इतना बड़ा बर्डन है कुछ पढ़ के नहीं, है ना? ये बस इतने बड़े क्वेश्चन कैसे याद रखेंगे? याद रखना ही नहीं है ना, स्टोरी समझो और अपने ओन वर्ड से लिख के आ जाओ, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कुछ सवाल जवाब आपके, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है नॉवेल से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं भी निकालूंगा नोट्स। हाँ, मैंने आपको एक लिंक भेजी हूँ ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह, उस लिंक से डाउनलोड करो पीडीएफ को, ठीक है? बाय बाय।